एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे। तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता है। सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूं, आपको भी रहना चाहिए। आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉन रैम्बो मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, जॉन रैम्बो इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को आईएमडीबी ने 7/10 रेटिंग दी है और इसे 4.4/5 रेटिंग दिया है वूडू ने, और इसे 86% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, जॉन रैम्बो ये 2008 की अमेरिकन एक्शन फिल्म है, और फ्रेंड्स जॉन रैम्बो ये रैम्बो 4 नाम से भी जाना जाता है ये मूवी। तो फ्रेंड्स, रैम्बो 4 क्या कहें, जॉन रैम्बो इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं सिल्वेस्टर स्टॉलन, लिखे हैं आर्ट मॉन्ट्रेस्टाइल सिल्वेस्टर स्टॉलन, और यह मूवी बेस्ड है जॉन रैम्बो जो कि डेविड मॉरेल की है, और इस मूवी को प्रोड्यूस किए एवी लर्नर, केविन किंग टेम्पलेसन, जॉन थॉम्पसन, और इस मूवी के स्टारिंग है सिल्वेस्टर स्टॉलन, जूली बेंस, पॉल सुलेज, मैथ्यू मार्सडेन, ग्राहम एमसी ताविश, रे गैलेगस, टिम कैंग, जेक ली बोटेस, मॉन्ग किन, केन हॉवर्ड, और इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के हैं ग्लेन मैक पियर्सन, और इस मूवी के एडिट किए हैं सियान अल्बर्टसन, और इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं ब्रेन टेलर, और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी से न्यू इमेज इक्विटी पिक्चर्स, मेड इन फॉन्ट्स, GmbH एंड को KG4, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए लायंस गेट दी विंस्टेन कंपनी, और ये मूवी 25 जनवरी 2008 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई, और इसका रनिंग टाइम रहा 91 मिनट्स, और ये यूनाइटेड स्टेट की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट 47.5 से 50 मिलियन डॉलर के आसपास रहा, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $113.2 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में सिल्वेस्टर स्टैलन एज जॉन जे रैम्बो के रोल में नजर आए, और जूलिया बेंस एंड सारा मिलर के रोल में, और पॉल सुलेज एज माइकल बोर्नेट के रोल में, और मैथ्यू मार्सडेन एज स्कूल बॉय के रोल में, और ग्राहम मैक टाइविस एज लीविज के रोल में, और टिम कैंग एज इन जू के रोल में, और रे गैलगोस एज डियाज के रोल में, और जेक ला बोटेस एज रीज के रोल में, और मॉन्ग किन एज मेजर पार्टी टिन के रोल में, और किन हॉवर्ड एज फादर आर्थर मैर्स के रोल में, और सुपकॉर्न किट्सुओन एज मियन के रोल में, और आयुंग आय नोई एज ल्यूटेंट आय ए के रोल में, और सोनराम पार्ची मेटे सेंकरन कर्न एज था के रोल में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूं, तो चलिए स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, बर्मा में भगवा क्रांति के राजनीतिक विरोध के बीच निर्दयी SPDC अधिकारी मेजर पार्टी टीटी डर के अभियान में छोटो गांवों को लूटने में बर्मी सेना का नेतृत्व करते हैं। उसके सैनिक बेगुनाहों का वध करते हैं, उसकी सेना में भर्ती होने के लिए किशोर लड़कों का अपहरण करते हैं, और यौन दासियों के रूप में बलात्कार के लिए महिलाओं को बंधक बनाते हैं। इस बीच अफगानिस्तान में घटनाओं के 20 साल बाद वियतनाम युद्ध के दिग्गज जॉन रैम्बो अभी भी थाईलैंड में रह रहे हैं, एक सांप पकड़ने वाले के रूप में जीवन यापन कर रहे हैं, और नाव की सवारी प्रदान कर रहे हैं। माइकल बर्नेट एक मशीनरी डॉक्टर अपने समूह को सलवीन नदी तक बर्मन तक पहुँचाने के लिए रैम्बो को काम पर रखने का प्रयास करता है। करने लोग के द्वारा बसाए गए एक गांव की चिकित्सक सहायता प्रदान करने के लिए मानवीय मिशन रैम्बो शुरू में मना कर देता है, फिर माइकल की मंगेतर सारा मिलकर द्वारा आश्वासन होने पर सहमत हो जाता है। यात्रा के दौरान समुद्री लुटेरे द्वारा नाव को रोक
रोक दिया जाता है, जो सारा को पारित होने के बदले में मांगती है, जिससे रैम्बो उन्हें मारने के लिए मजबूर हो जाता है। मिशनरी गांव में पहुंचते हैं, लेकिन टिंट की सेना द्वारा हमला किया जाता है। सारा, माइकल और अन्य बचे लोग को बंदी बना लिया जाता है। मिशनरियों के चर्चे पर पादरी थाईलैंड आता है और रैम्बो को बचाओ अभियान पर भाड़े के 500 सैनिक की एक टीम का मार्गदर्शन करने के लिए कहता है। रैम्बो भाड़े को ड्रॉप ऑफ पॉइंट पर ले जाता है और मदद की पेशकश करता है, लेकिन लेविस, एक पूर्व एसएसएस सैनिक और टीम के नेता, मना कर देते हैं। माइटी, एक क्रेन विद्रोही जो इस क्षेत्र से परिचित है, भाड़े के सैनिकों को नरसंहार स्थल पर ले जाता है। जैसे ही वे नुकसान का सर्वेक्षण करते हैं, टिंट के सैनिकों का एक दल एक ट्रक में कैदियों के एक समूह के साथ आता है, जिससे वे पीड़ा देने के लिए आगे बढ़ते हैं। रैम्बो समय पर आता है और बंदूकों को मुक्त करते हुए अपने धनुष और बाण से सैनिकों को मारता है। रैम्बो भाड़े के सैनिक में शामिल हो जाता है और वे रात में टीम के शिविर में अपना रास्ता बनाते हैं, जहां वे बचे हुए बंदूकों को चुपके से बचाते हैं। अगली सुबह टिंट और उसके सैनिक उनका पीछा करते हैं। रैम्बो सेना के एक वर्ग को एक निष्क्रिय टॉल वाय बम की ओर आकर्षित करता है। इसे एक समयबद्ध क्लेमरों के साथ बंद कर देता है। टिन की सेना रैम्बो, सारा और स्कूल बॉय भाड़े के स्नाइपर को छोड़कर सभी को पकड़ लेते हैं। इससे पहले कि टिन उन्हें अंजाम दे सके, रैम्बो ने जीप पर लगे मशीन गन के साथ आश्चर्यजनक हमला किया और टिन के आदमियों को मारना शुरू कर दिया। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको रैम्बो 4 या क्या जॉन रैम्बो इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये मूवी अमेजॉन प्राइम पर अवेलेबल है। अगर आपके पास अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को देख सकते हैं बिल्कुल फ्री, बट आपके पास अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और आप हमारे वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉन रैम्बो मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, जॉन रैम्बो इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 7/10 रेटिंग दी है और इसे 4.4/5 रेटिंग दिया है वुडू ने, और इसे 86% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, जॉन रैम्बो ये 2008 की अमेरिकन एक्शन फिल्म है और फ्रेंड्स, जॉन रैम्बो ये रैम्बो 4 नाम से भी जाना जाता है ये मूवी। तो फ्रेंड्स, रैम्बो 4 क्या कहें जॉन रैम्बो, इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं सिल्वेस्टर स्टॉलन, लिखे हैं आर्ट मॉन्ट्रेस्टाइल सिल्वेस्टर स्टॉलन, और ये मूवी बेस्ड है जॉन रैम्बो जो कि डेविड मॉरेल की है, और इस मूवी को प्रोड्यूस किए एवी लर्नर, केविन किंग टेम्पलेसन, जॉन थॉम्पसन, और इस मूवी के स्टारिंग है सिल्वेस्टर स्टॉलन, जूली बेंस, पॉल सुलेज, मैथ्यू मार्सडेन, ग्राहम एमसी ताविश, रे गैलेगस, टिम कैंग, जेक ली बोटेस, मॉन्ग फिन, केन हॉवर्ड, और इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के ग्लेन मैक पियर्सन, और इस मूवी के एडिट किए सियान अल्बर्टसन, और इस मूवी में म्यूजिक दिए ब्रेन टेलर, और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी से न्यू इमेज, इक्विटी पिक्चर्स, मेड इन फॉन्ट्स, GmbH एंड को KG4, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए लायंस गेट दी विंस्टेन कंपनी, और ये मूवी 25 जनवरी 2008 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 91 मिनट्स, और ये यूनाइटेड स्टेट की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट 47.5 से 50 मिलियन डॉलर के आसपास रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $113.2 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में सिल्वेस्टर स्टैलन एज जॉन जे रैम्बो के रोल में नजर आए और जूलिया बेंस एंड सारा मिलर के रोल में और पॉल सुलेज एज माइकल बोर्नेट के रोल में और मैथ्यू मार्सडेन एज स्कूल बॉय के रोल में और ग्राहम मैक टाइविस एज लीविज के रोल में और टिम कैंग एज इन जू के रोल में और रे गैलगोस एज डियाज के रोल में और जेक ला बोटेस एज रीज के रोल में और मॉन्ग मॉन्ग खिन
शीन एज मेजर पार्टी टिंट के रोल में और किन हॉवर्ड एज फादर आर्थर मैर्स के रोल में और सुपकॉर्न किट्सुओन एज मियन के रोल में और एयुंग आए नोई एज ल्यूटेंट ए के रोल में और सोनराम पार्ची मेटे सेंकरन कर्न एज था के रोल में। तो फ्रेंड्स इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूं, तो चलिए स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स बर्मा में भगवा क्रांति के राजनीतिक विरोध के बीच निर्दयी एसपीडीसी अधिकारी मेजर पार्टी टीटी डर के अभियान में छोटो गाँवों को लूटने में बर्मी सेना का नेतृत्व करते हैं। उसके सैनिक बेगुनाहों का वध करते हैं, उसकी सेना में भर्ती होने के लिए किशोर लड़कों का अपहरण करते हैं और यौन दासियों के रूप में बलात्कार के लिए महिलाओं को बंधक बनाते हैं। इस बीच अफगानिस्तान में घटनाओं के 20 साल बाद वियतनाम युद्ध के दिग्गज जॉन रैम्बो अभी भी थाईलैंड में रह रहे हैं, एक सांप पकड़ने वाले के रूप में जीवन यापन कर रहे हैं और नाव की सवारी प्रदान कर रहे हैं। माइकल बर्नेट एक मशीनरी डॉक्टर अपने समूह को सलवीन नदी तक बर्मन तक पहुंचाने के लिए रैम्बो को काम पर रखने का प्रयास करता है। करने लोग के द्वारा बसाए गए एक गांव की चिकित्सक सहायता प्रदान करने के लिए मानवीय मिशन रैम्बो शुरू में मना कर देता है, फिर माइकल की मंगेतर सारा मिलकर द्वारा आश्वासन होने पर सहमत हो जाता है। यात्रा के दौरान समुद्री लुटेरे द्वारा नाव को रोक दिया जाता है जो सारा को पारित होने के बदले में मांगती है, जिससे रैम्बो उन्हें मारने के लिए मजबूर हो जाता है। मिशनरी गांव में पहुंचते हैं लेकिन टिंट की सेना द्वारा हमला किया जाता है। सारा माइकल और अन्य बचे लोग को बंदी बना लिया जाता है। मिशनरियों के चर्चे पर पादरी थाईलैंड आता है और रैम्बो को बचाओ अभियान पर भाड़े के 500 सैनिक की एक टीम का मार्गदर्शन करने के लिए कहता है। रैम्बो भाड़े को ड्रॉप ऑफ पॉइंट पर ले जाता है और मदद की पेशकश करता है, लेकिन लेविस एक पूर्व एसएसएस सैनिक और टीम के नेता मना कर देते हैं। माइटी एक क्रेन विद्रोही जो इस क्षेत्र से परिचित है भाड़े के सैनिकों को नरसंहार स्थल पर ले जाता है। जैसे ही वे नुकसान का सर्वेक्षण करते हैं टिंट के सैनिकों का एक दल एक ट्रक में कैदियों के एक समूह के साथ आता है, जिससे वे पीड़ा देने के लिए आगे बढ़ते हैं। रैम्बो समय पर आता है और बंदूकों को मुक्त करते हुए अपने धनुष और बाण से सैनिकों को मारता है। रैम्बो भाड़े के सैनिक में शामिल हो जाता है और वे रात में टीम के शिविर में अपना रास्ता बनाते हैं जहाँ वे बचे हुए बंदूकों को छुपके से बचाते हैं। अगली सुबह टिंट और उसके सैनिक उनका पीछा करते हैं। रैम्बो सेना के एक वर्ग को एक निष्क्रिय टॉल बॉय बम की ओर आकर्षित करता है, इसे एक समयबद्ध क्लेमरों के साथ बंद कर देता है। टिन की सेना रैम्बो सारा और स्कूल बॉय भाड़े के स्नाइपर को छोड़कर सभी को पकड़ लेते हैं। इससे पहले कि टिन उन्हें अंजाम दे सके रैम्बो ने जीप पर लगे मशीन गन के साथ आश्चर्यजनक हमला किया और टिन के आदमियों को मारना शुरू कर दिया। तो फ्रेंड्स आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको रैम्बो 4 या क्या जॉन रैम्बो इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये मूवी अमेजॉन प्राइम पर अवेलेबल है। अगर आपके पास अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को देख सकते हैं बिल्कुल फ्री, बट आपके पास अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और आप हमारे वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉन रैम्बो मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स जॉन रैम्बो इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स इस मूवी को IMDb ने 7/10 रेटिंग दी है और इसे 4.4/5 रेटिंग दिया है वुडू ने और इसे 86% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स जॉन रैम्बो ये 2008 की अमेरिकन एक्शन फिल्म है और फ्रेंड्स जॉन रैम्बो ये रैम्बो 4 नाम से भी जाना जाता है ये मूवी। तो फ्रेंड्स रैम्बो 4 क्या कहें जॉन रैम्बो इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं सिल्वेस्टर स्टॉलन, लिखे हैं आर्ट
मॉन्ट्रेस्टाइल, सिल्वेस्टर स्टोलेन, और ये मूवी बेस्ड है जॉन रैम्बो जो कि डेविड मॉरेल की है। और इस मूवी को प्रोड्यूस किए एवी लर्नर, केविन किंग टेम्पलेसन, जॉन थॉम्पसन, और इस मूवी के स्टारिंग है सिल्वेस्टर स्टोलेन, जूली बेंस, पॉल सुलेज, मैथ्यू मार्सडेन, ग्राहम एमसी ताविश, रे गैलेगस, टिम कैंग, जेक ली बोटेस, मॉन्ग किन, केन हॉवर्ड। और इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के ग्लेन मैक पियर्सन, और इस मूवी के एडिट किए सियान अल्बर्टसन, और इस मूवी में म्यूजिक दिए ब्रेन टेलर, और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी से न्यू इमेज, इक्विटी पिक्चर्स, मेड इन फॉन्ट्स, GmbH एंड को KG4। और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए लायंस गेट दी विंस्टेन कंपनी। और ये मूवी 25 जनवरी 2008 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई, और इसका रनिंग टाइम रहा 91 मिनट्स। और ये यूनाइटेड स्टेट की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट 47.5 से 50 मिलियन डॉलर के आसपास रहा, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 113.2 मिलियन डॉलर रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में सिल्वेस्टर स्टैलोन एज जॉन जे रैम्बो के रोल में नजर आए, और जूलिया बेंस एंड सारा मिलर के रोल में, और पॉल सुलेज एज माइकल बोर्नेट के रोल में, और मैथ्यू मार्सडेन एज स्कूल बॉय के रोल में, और ग्राहम मैक टाइविस एज लीविज के रोल में, और टिम कैंग एज इन जू के रोल में, और रे गैलगोस एज डियाज के रोल में, और जेक ला बोटेस एज रीज के रोल में, मॉन्ग किन एज मेजर पार्टी टिन के रोल में, और किन हॉवर्ड एज फादर आर्थर मैर्स के रोल में, और सुपकॉर्न किट्सुओन एज मियन के रोल में, और आयुंग आय नोई एज ल्यूटेंट एग ए के रोल में, और सोनराम पार्ची मेटेसंकरन कर्न एज था के रोल में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूं, तो चलिए स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, बर्मा में भगवा क्रांति के राजनीति विरोध के बीच निर्दयी SPDC अधिकारी मेजर पार्टी टीटी डर के अभियान में छोटो गांवों को लूटने में बर्मी सेना का नेतृत्व करते हैं। उसके सैनिक बेगुनाहों का वध करते हैं, उसकी सेना में भर्ती होने के लिए किशोर लड़कों का अपहरण करते हैं, और यौन दासियों के रूप में बलात्कार के लिए महिलाओं को बंधक बनाते हैं। इस बीच अफगानिस्तान में घटनाओं के 20 साल बाद वियतनाम युद्ध के दिग्गज जॉन रैम्बो अभी भी थाईलैंड में रह रहे हैं, एक सांप पकड़ने वाले के रूप में जीवन यापन कर रहे हैं, और नाव की सवारी प्रदान कर रहे हैं। माइकल बर्नेट एक मशीनरी डॉक्टर अपने समूह को सलवीन नदी तक बर्मन तक पहुँचाने के लिए रैम्बो को काम पर रखने का प्रयास करता है। करने लोग के द्वारा बसाए गए एक गांव की चिकित्सक सहायता प्रदान करने के लिए मानवीय मिशन रैम्बो शुरू में मना कर देता है। फिर माइकल की मंगेतर सारा मिलकर द्वारा आश्वासन होने पर सहमत हो जाता है। यात्रा के दौरान समुद्री लुटेरे द्वारा नाव को रोक दिया जाता है, जो सारा को पारित होने के बदले में मांगती है, जिससे रैम्बो उन्हें मारने के लिए मजबूर हो जाता है। मिशनरी गांव में पहुंचते हैं, लेकिन टिंट की सेना द्वारा हमला किया जाता है। सारा, माइकल और अन्य बचे लोग को बंदी बना लिया जाता है। मिशनरियों के चर्चे पर पादरी थाईलैंड आता है, और रैम्बो को बचाओ अभियान पर भाड़े के 500 सैनिक की एक टीम का मार्गदर्शन करने के लिए कहता है। रैम्बो भाड़े को ड्रॉप ऑफ पॉइंट पर ले जाता है और मदद की पेशकश करता है, लेकिन लेविस एक पूरे SS सैनिक और टीम के नेता मना कर देते हैं। माइटी एक क्रेन विद्रोही जो इस क्षेत्र से परिचित है, भाड़े के सैनिकों को नरसंहार स्थल पर ले जाता है। जैसे ही वे नुकसान का सर्वेक्षण करते हैं, टिंट के सैनिकों का एक दल एक ट्रक में कैदियों के एक समूह के साथ आता है, जिससे वे पीड़ा देने के लिए आगे बढ़ते हैं। रैम्बो समय पर आता है और बंदूकों को मुक्त करते हुए अपने धनुष और बाण से सैनिकों को मारता है। रैम्बो भाड़े के सैनिक में शामिल हो जाता है, और वे रात में टीम के शिविर में अपना रास्ता बनाते हैं, जहां वे बचे हुए बंदूकों को चुपके से बचाते हैं। अगली सुबह टिंट और उसके सैनिक उनका पीछा करते हैं। रैम्बो सेना के एक वर्ग को एक निष्क्रिय टॉल बॉय बम की
ओर आकर्षित करता है। इसे एक समयबद्ध क्लेमरों के साथ बंद कर देता है। टिन की सेना रैम्बो, सारा और स्कूल बॉय भाड़े के स्नाइपर को छोड़कर सभी को पकड़ लेते हैं। इससे पहले कि टिन उन्हें अंजाम दे सके, रैम्बो ने जीप पर लगे मशीन गन के साथ आश्चर्यजनक हमला किया और टिन के आदमियों को मारना शुरू कर दिया। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको रैम्बो 4 या क्या जॉन रैम्बो इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये मूवी अमेज़ॉन प्राइम पर अवेलेबल है। अगर आपके पास अमेज़ॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को देख सकते हैं बिल्कुल फ्री, बट आपके पास अमेज़ॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और आप हमारे वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉन रैम्बो मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, जॉन रैम्बो इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 7/10 रेटिंग दी है और इसे 4.4/5 रेटिंग दिया है वुडू ने और इसे 86% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, जॉन रैम्बो ये 2008 की अमेरिकन एक्शन फिल्म है और फ्रेंड्स, जॉन रैम्बो ये रैम्बो 4 नाम से भी जाना जाता है ये मूवी। तो फ्रेंड्स, रैम्बो 4 क्या कहें, जॉन रैम्बो इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं सिल्वेस्टर स्टॉलन, लिखे हैं आर्ट मॉन्ट्रेस्टाइल, सिल्वेस्टर स्टॉलन, और ये मूवी बेस्ड है जॉन रैम्बो जो कि डेविड मॉरेल की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए एवी लर्नर, केविन किंग टेम्पलेसन, जॉन थॉम्पसन और इस मूवी के स्टारिंग है सिल्वेस्टर स्टॉलन, जूली बेंस, पॉल सुलेज, मैथ्यू मार्सडेन, ग्राहम एमसी ताविश, रे गैलेगस, टिम कैंग, जेक ली बोटेस, मॉन्ग किन, केन हॉवर्ड और इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के ग्लेन मैक पियर्सन और इस मूवी के एडिट किए सियान अल्बर्टसन और इस मूवी में म्यूजिक दिए ब्रेन टेलर और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी से न्यू इमेज, इक्विटी पिक्चर्स, मेड इन फॉन्ट्स, GmbH एंड को KG4 और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए लायंस गेट दी विंस्टेन कंपनी और ये मूवी 25 जनवरी 2008 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 91 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट 47.5 से $50 मिलियन के आसपास रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $113.2 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में सिल्वेस्टर स्टैलन एज जॉन जे रैम्बो के रोल में नजर आए और जूलिया बेंज एंड सारा मिलर के रोल में और पॉल सुलेज एज माइकल बोर्नेट के रोल में और मैथ्यू मार्सडेन एज स्कूल बॉय के रोल में और ग्राहम मैक टाइविस एज लीविज के रोल में और टिम कैंग एज इन जू के रोल में और रे गैलगोस एज डियाज के रोल में और जेक ला बोटेस एज रीज के रोल में, मॉन्ग किन एज मेजर पार्टी टिन के रोल में और किन हॉवर्ड एज फादर आर्थर मैर्स के रोल में और सुपकॉर्न किट्सुओन एज मियन के रोल में और आयुंग आय नोई एज ल्यूटेंट एग ए के रोल में और सोनराम पार्ची मेटेसंकरन एज था के रोल में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूं, तो चलिए स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, बर्मा में भगवा क्रांति के राजनीतिक विरोध के बीच निर्दयी SPDC अधिकारी मेजर पार्टी टीटी डर के अभियान में छोटो गांवों को लूटने में बर्मी सेना का नेतृत्व करते हैं। उसके सैनिक बेगुनाहों का वध करते हैं, उसकी सेना में भर्ती होने के लिए किशोर लड़कों का अपहरण करते हैं और यौन दासियों के रूप में बलात्कार के लिए महिलाओं को बंधक बनाते हैं। इस बीच अफगानिस्तान में घटनाओं के 20 साल बाद वियतनाम युद्ध के दिग्गज जॉन रैम्बो अभी भी थाईलैंड में रह रहे हैं, एक सांप पकड़ने वाले के रूप में जीवन यापन कर रहे हैं और नाव की सवारी प्रदान कर रहे हैं। माइकल बर्नेट एक मशीनरी डॉक्टर अपने समूह को सलवीन नदी तक बर्मन तक पहुँचाने के लिए रैम्बो को काम पर रखने का प्रयास करता है। करने लोग के द्वारा बसाए गए एक गांव की चिकित्सक सहायता प्रदान करने के लिए मानवीय मिशन रैम्बो शुरू में मना कर देता है, फिर माइकल की
मंगेतर सारा मिलकर द्वारा आश्वासन होने पर सहमत हो जाता है। यात्रा के दौरान समुद्री लुटेरे द्वारा नाव को रोक दिया जाता है, जो सारा को पारित होने के बदले में मांगती है, जिससे रैम्बो उन्हें मारने के लिए मजबूर हो जाता है। मिशनरी गांव में पहुंचते हैं, लेकिन टिंट की सेना द्वारा हमला किया जाता है। सारा, माइकल और अन्य बचे लोग को बंदी बना लिया जाता है। मिशनरियों के चर्चे पर पादरी थाईलैंड आता है और रैम्बो को बचाओ अभियान पर भाड़े के 500 सैनिक की एक टीम का मार्गदर्शन करने के लिए कहता है। रैम्बो भाड़े को ड्रॉप ऑफ पॉइंट पर ले जाता है और मदद की पेशकश करता है, लेकिन लेविस, एक पूरे एसएसएस सैनिक और टीम के नेता, मना कर देते हैं। माइटी, एक क्रेन विद्रोही जो इस क्षेत्र से परिचित है, भाड़े के सैनिकों को नरसंहार स्थल पर ले जाता है। जैसे ही वे नुकसान का सर्वेक्षण करते हैं, टिंट के सैनिकों का एक दल एक ट्रक में कैदियों के एक समूह के साथ आता है, जिससे वे पीड़ा देने के लिए आगे बढ़ते हैं। रैम्बो समय पर आता है और बंदूकों को मुक्त करते हुए अपने धनुष और बाण से सैनिकों को मारता है। रैम्बो भाड़े के सैनिक में शामिल हो जाता है और वे रात में टीम के शिविर में अपना रास्ता बनाते हैं, जहां वे बचे हुए बंदूकों को चुपके से बचाते हैं। अगली सुबह टिंट और उसके सैनिक उनका पीछा करते हैं। रैम्बो सेना के एक वर्ग को एक निष्क्रिय टॉल बॉय बम की ओर आकर्षित करता है, इसे एक समयबद्ध क्लेमरों के साथ बंद कर देता है। टिंट की सेना रैम्बो, सारा और स्कूल बॉय भाड़े के स्नाइपर को छोड़कर सभी को पकड़ लेते हैं। इससे पहले कि टिंट उन्हें अंजाम दे सके, रैम्बो ने जीप पर लगे मशीन गन के साथ आश्चर्यजनक हमला किया और टिंट के आदमियों को मारना शुरू कर दिया। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको रैम्बो 4 या क्या जॉन रैम्बो इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये मूवी अमेज़ॉन प्राइम पर अवेलेबल है। अगर आपके पास अमेज़ॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को देख सकते हैं बिल्कुल फ्री, बट आपके पास अमेज़ॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और आप हमारे वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉन रैम्बो मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, जॉन रैम्बो इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 7/10 रेटिंग दी है और इसे 4.4/5 रेटिंग दिया है वूडू ने, और इसे 86% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, जॉन रैम्बो ये 2008 की अमेरिकन एक्शन फिल्म है और फ्रेंड्स, जॉन रैम्बो ये रैम्बो 4 नाम से भी जाना जाता है ये मूवी। तो फ्रेंड्स, रैम्बो 4 क्या कहें जॉन रैम्बो, इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं सिल्वेस्टर स्टॉलन, लिखे हैं आर्ट मॉन्ट्रेस्टाइल, सिल्वेस्टर स्टॉलन, और ये मूवी बेस्ड है जॉन रैम्बो जो कि डेविड मॉरेल की है, और इस मूवी को प्रोड्यूस किए एवी लर्नर, केविन किंग टेम्पलेसन, जॉन थॉम्पसन, और इस मूवी के स्टारिंग है सिल्वेस्टर स्टॉलन, जूली बेंस, पॉल सुलेज, मैथ्यू मार्सडेन, ग्राहम एमसी ताविश, रे गैलेगस, टिम कैंग, जेक ली बोटेस, मॉन्ग किन, केन हॉवर्ड, और इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के ग्लेन मैक पियर्सन, और इस मूवी के एडिट किए सियान अल्बर्टसन, और इस मूवी में म्यूजिक दिए ब्रेन टेलर, और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी से न्यू इमेज, इक्विटी पिक्चर्स, मेड इन फॉन्ट्स, GmbH एंड को KG4, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए लायंस गेट, दी विनस्टेन कंपनी, और ये मूवी 25 जनवरी 2008 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 91 मिनट्स, और ये यूनाइटेड स्टेट की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट 47.5 से 50 मिलियन डॉलर के आसपास रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $113.2 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में सिल्वेस्टर स्टैलन एज जॉन जे रैम्बो के रोल में नजर आए और जूलिया बेंस एज सारा मिलर के रोल में और पॉल सुलेज एज माइकल बोर्नेट के रोल में और मैथ्यू मार्सडेन एज स्कूल बॉय के रोल में और ग्राहम मैक टाइविस एज लीविज के रोल में और टिम कैंग एज इन जू के रोल में और रे गैलगोस एज डियाज के रोल में और जेक ला बोटेस एज रीज के रोल में
मॉन्ग मॉन्ग खिन खिन एज मेजर पार्टी टिन के रोल में और किन हॉवर्ड एज फादर आर्थर मैर्स के रोल में और सुपकॉर्न किट्सुओन एज मियन के रोल में और आयुंग आए नोई एज ल्यूटेंट आए ए के रोल में और सोनराम पार्ची मेटेसंकरन करन एज था के रोल में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूं, तो चलिए स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, बर्मा में भगवा क्रांति के राजनीतिक विरोध के बीच निर्दयी एसपीडीसी अधिकारी मेजर पार्टी टीटी डर के अभियान में छोटों गाँव को लूटने में बर्मी सेना की सेना का नेतृत्व करते हैं। उसके सैनिक बेगुनाहों का वध करते हैं। उसकी सेना में भर्ती होने के लिए किशोर लड़कों का अपहरण करते हैं और यौन दासियों के रूप में बलात्कार के लिए महिलाओं को बंधक बनाते हैं। इस बीच अफगानिस्तान में घटनाओं के 20 साल बाद वियतनाम युद्ध के दिग्गज जॉन रैम्बो अभी भी थाईलैंड में रह रहे हैं। एक सांप पकड़ने वाले के रूप में जीवन यापन कर रहे हैं और नाव की सवारी प्रदान कर रहे हैं। माइकल बर्नेट एक मशीनरी डॉक्टर अपने समूह को सलवीन नदी तक बर्मन तक पहुंचाने के लिए रैम्बो को काम पर रखने का प्रयास करता है। करने लोग के द्वारा बसाए गए एक गांव की चिकित्सक सहायता प्रदान करने के लिए मानवीय मिशन रैम्बो शुरू में मना कर देता है। फिर माइकल की मंगेतर सारा मिलकर द्वारा आश्वासन होने पर सहमत हो जाता है। यात्रा के दौरान समुद्री लुटेरे द्वारा नाव को रोक दिया जाता है, जो सारा को पारित होने के बदले में मांगती है, जिससे रैम्बो उन्हें मारने के लिए मजबूर हो जाता है। मिशनरी गांव में पहुंचते हैं लेकिन टिंट की सेना द्वारा हमला किया जाता है। सारा, माइकल और अन्य बचे लोग को बंदी बना लिया जाता है। मिशनरियों के चर्चे पर पादरी थाईलैंड आता है और रैम्बो को बचाओ अभियान पर भाड़े के 500 सैनिक की एक टीम का मार्गदर्शन करने के लिए कहता है। रैम्बो भाड़े को ड्रॉप ऑफ पॉइंट पर ले जाता है और मदद की पेशकश करता है, लेकिन लेविस एक पूरे एसएसएस सैनिक और टीम के नेता मना कर देते हैं। माइटी एक क्रेन विद्रोही जो इस क्षेत्र से परिचित है, भाड़े के सैनिकों को नरसंहार स्थल पर ले जाता है। जैसे ही वे नुकसान का सर्वेक्षण करते हैं, टिंट के सैनिकों का एक दल एक ट्रक में कैदियों के एक समूह के साथ आता है, जिससे वे पीड़ा देने के लिए आगे बढ़ते हैं। रैम्बो समय पर आता है और बंदूकों को मुक्त करते हुए अपने धनुष और बाण से सैनिकों को मारता है। रैम्बो भाड़े के सैनिक में शामिल हो जाता है और वे रात में टीम के शिविर में अपना रास्ता बनाते हैं, जहां वे बचे हुए बंदूकों को चुपके से बचाते हैं। अगली सुबह टिंट और उसके सैनिक उनका पीछा करते हैं। रैम्बो सेना के एक वर्ग को एक निष्क्रिय टॉल बॉय बम की ओर आकर्षित करता है। इसे एक समयबद्ध क्लेमरों के साथ बंद कर देता है। टिन की सेना रैम्बो सारा और स्कूल बॉय भाड़े के स्नाइपर को छोड़कर सभी को पकड़ लेते हैं। इससे पहले कि टिन उन्हें अंजाम दे सके, रैम्बो ने जीप पर लगे मशीन गन के साथ आश्चर्यजनक हमला किया और टिन के आदमियों को मारना शुरू कर दिया। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको रैम्बो 4 या क्या जॉन रैम्बो इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये मूवी अमेज़ॉन प्राइम पर अवेलेबल है। अगर आपके पास अमेज़ॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को देख सकते हैं बिल्कुल फ्री, बट आपके पास अमेज़ॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन होगा तो। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और आप हमारे वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉन रैम्बो मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, जॉन रैम्बो इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को आईएमडीबी ने 7/10 रेटिंग दी है और इसे 4.4/5 रेटिंग दिया है वुडू ने और इसे 86% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, जॉन रैम्बो ये 2008 की अमेरिकन एक्शन फिल्म है और फ्रेंड्स, रैम्बो 4 नाम से भी जाना जाता है ये मूवी। तो फ्रेंड्स, रैम्बो 4 क्या कहें जॉन रैम्बो इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं सिल्वेस्टर स्टॉलन, लिखे हैं आर्ट
मॉन्ट्रेस्टाइल, सिल्वेस्टर स्टोलेन, और ये मूवी बेस्ड है जॉन रैम्बो जो कि डेविड मॉरेल की है, और इस मूवी को प्रोड्यूस किया एवी लर्नर, केविन किंग टेम्पलेसन, जॉन थॉम्पसन, और इस मूवी के स्टारिंग है सिल्वेस्टर स्टॉलेन, जूली बेंस, पॉल सुलेज, मैथ्यू मार्स्टन, ग्राहम एमसी ताविश, रे गैलेगस, टिम कैंग, जेक ली बोटेस, मॉन्ग किन, केन हॉवर्ड, और इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के ग्लेन मैक पियर्सन, और इस मूवी के एडिट किए सियान अल्बर्टसन, और इस मूवी में म्यूजिक दिए ब्रेन टेलर, और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी से न्यू इमेज, इक्विटी पिक्चर्स, मेड इन फॉन्ट्स, GmbH एंड को KG4, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए लायंस गेट दी विंस्टेन कंपनी, और यह मूवी 25 जनवरी 2008 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई, और इसका रनिंग टाइम रहा 91 मिनट्स, और ये यूनाइटेड स्टेट की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट 47.5 से 50 मिलियन डॉलर के आसपास रहा, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 113.2 मिलियन डॉलर रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में सिल्वेस्टर स्टैलन एज जॉन जे रैम्बो के रोल में नजर आए, और जूलिया बेंस एंड सारा मिलर के रोल में, और पॉल सुलेज एज माइकल बोर्नेट के रोल में, और मैथ्यू मार्स्टन एज स्कूल बॉय के रोल में, और ग्राहम मैक टाइविस एज लीविज के रोल में, और टिम कैंग एज इन जू के रोल में, और रे गैलगोस एज डियाज के रोल में, और जेक ला बोटेस एज रीज के रोल में, मॉन्ग किन एज मेजर पार्टी टिन के रोल में, और किन हॉवर्ड एज फादर आर्थर मैर्स के रोल में, और सुपकॉर्न किट्सुओन एज मियन के रोल में, और आयुंग आए नोई एज ल्यूटेंट ए के रोल में, और सोनराम पार्ची मैटेसंकरन एज था के रोल में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूं, तो चलिए स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, बर्मा में भगवा क्रांति के राजनीतिक विरोध के बीच निर्दयी SPDC अधिकारी मेजर पार्टी टीटी डर के अभियान में छोटो गांवों को लूटने में बर्मी सेना की सेना का नेतृत्व करते हैं। उसके सैनिक बेगुनाहों का वध करते हैं, उसकी सेना में भर्ती होने के लिए किशोर लड़कों का अपहरण करते हैं, और यौन दासियों के रूप में बलात्कार के लिए महिलाओं को बंधक बनाते हैं। इस बीच अफगानिस्तान में घटनाओं के 20 साल बाद वियतनाम युद्ध के दिग्गज जॉन रैम्बो अभी भी थाईलैंड में रह रहे हैं, एक सांप पकड़ने वाले के रूप में जीवन यापन कर रहे हैं, और नाव की सवारी प्रदान कर रहे हैं। माइकल बर्नेट एक मशीनरी डॉक्टर अपने समूह को सलवीन नदी तक बर्मन तक पहुँचाने के लिए रैम्बो को काम पर रखने का प्रयास करता है। करने लोग के द्वारा बसाए गए एक गांव की चिकित्सक सहायता प्रदान करने के लिए मानवीय मिशन रैम्बो शुरू में मना कर देता है, फिर माइकल की मंगेतर सारा मिलकर द्वारा आश्वासन होने पर सहमत हो जाता है। यात्रा के दौरान समुद्री लुटेरे द्वारा नाव को रोक दिया जाता है, जो सारा को पारित होने के बदले में मांगती है, जिससे रैम्बो उन्हें मारने के लिए मजबूर हो जाता है। मिशनरी गांव में पहुंचते हैं, लेकिन टिंट की सेना द्वारा हमला किया जाता है। सारा, माइकल और अन्य बचे लोग को बंदी बना लिया जाता है। मिशनरियों के चर्चे पर पादरी थाईलैंड आता है, और रैम्बो को बचाओ अभियान पर भाड़े के 500 सैनिक की एक टीम का मार्गदर्शन करने के लिए कहता है। रैम्बो भाड़े को ड्रॉप ऑफ पॉइंट पर ले जाता है और मदद की पेशकश करता है, लेकिन लेविस एक पूरे SS सैनिक और टीम के नेता मना कर देते हैं। माइटी एक क्रेन विद्रोही जो इस क्षेत्र से परिचित है, भाड़े के सैनिकों को नरसंहार स्थल पर ले जाता है। जैसे ही वे नुकसान का सर्वेक्षण करते हैं, टिंट के सैनिकों का एक दल एक ट्रक में कैदियों के एक समूह के साथ आता है, जिससे वे पीड़ा देने के लिए आगे बढ़ते हैं। रैम्बो समय पर आता है और बंदूकों को मुक्त करते हुए अपने धनुष और बाण से सैनिकों को मारता है। रैम्बो भाड़े के सैनिक में शामिल हो जाता है, और वे रात में टिंट के शिविर में अपना रास्ता बनाते हैं, जहां वे बचे हुए बंदूकों को चुपके से बचाते हैं। अगली सुबह टिंट और उसके सैनिक उनका पीछा करते हैं। रैम्बो सेना के एक वर्ग को एक निष्क्रिय टॉल बम की
ओर आकर्षित करता है। इसे एक समयबद्ध क्लेमरों के साथ बंद कर देता है। टिन की सेना रैम्बो, सारा और स्कूल बॉय भाड़े के स्नाइपर को छोड़कर सभी को पकड़ लेते हैं। इससे पहले कि टिन उन्हें अंजाम दे सके, रैम्बो ने जीप पर लगे मशीन गन के साथ आश्चर्यजनक हमला किया और टिन के आदमियों को मारना शुरू कर दिया। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको रैम्बो 4 या क्या जॉन रैम्बो इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये मूवी अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है। अगर आपके पास अमेज़न प्राइम का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को देख सकते हैं बिल्कुल फ्री। बट आपके पास अमेज़न प्राइम का सब्सक्रिप्शन होगा तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और आप हमारे वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉन रैम्बो मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, जॉन रैम्बो इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 7/10 रेटिंग दी है और इसे 4.4/5 रेटिंग दिया है वुडू ने और इसे 86% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, जॉन रैम्बो ये 2008 की अमेरिकन एक्शन फिल्म है और फ्रेंड्स, जॉन रैम्बो ये रैम्बो 4 नाम से भी जाना जाता है ये मूवी। तो फ्रेंड्स, रैम्बो 4 क्या कहें, जॉन रैम्बो इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं सिल्वेस्टर स्टॉलन, लिखे हैं आर्ट मॉन्ट्रेस्टाइल सिल्वेस्टर स्टॉलन और ये मूवी बेस्ड है जॉन रैम्बो जो कि डेविड मॉरेल की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए एवी लर्नर, केविन किंग टेम्पलेसन, जॉन थॉम्पसन और इस मूवी के स्टारिंग है सिल्वेस्टर स्टॉलन, जूली बेंस, पॉल सुलेज, मैथ्यू मार्सडेन, ग्राहम एमसी ताविश, रे गैलेगस, टिम कैंग, जेक ली बोटेस, मॉन्ग फिन, केन हॉवर्ड और इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के ग्लेन मैक पियर्सन और इस मूवी के एडिट किए सियान अल्बर्टसन और इस मूवी में म्यूजिक दिए ब्रेन टेलर और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी से न्यू इमेज इक्विटी पिक्चर्स, मेड इन फॉन्ट्स, GmbH एंड को KG4 और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए लायंस गेट दी विंस्टेन कंपनी और ये मूवी 25 जनवरी 2008 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 91 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट 47.5 से 50 मिलियन डॉलर के आसपास रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $113.2 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में सिल्वेस्टर स्टैलन एज जॉन जे रैम्बो के रोल में नजर आए और जूलिया बेंस एंड सारा मिलर के रोल में और पॉल सुलेज एज माइकल बोर्नेट के रोल में और मैथ्यू मार्सडेन एज स्कूल बॉय के रोल में और ग्राहम मैक टाइविस एज लीविज के रोल में और टिम कैंग एज इन जू के रोल में और रे गैलगोस एज डियाज के रोल में और जेक ला बोटेस एज रीज के रोल में, मॉन्ग फिन एज मेजर पार्टी टिन के रोल में और किन हॉवर्ड एज फादर आर्थर मैर्स के रोल में और सुपकॉर्न किट्सुओन एज मियन के रोल में और आयुंग आय नोई एज ल्यूटेंट आय ए के रोल में और सोनराम पार्ची मेट संकरण एज था के रोल में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूं, तो चलिए स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, बर्मा में भगवा क्रांति के राजनीतिक विरोध के बीच निर्दयी SPDC अधिकारी मेजर पार्टी टीटी डर के अभियान में छोटो गांवों को लूटने में बर्मी सेना का नेतृत्व करते हैं। उसके सैनिक बेगुनाहों का वध करते हैं, उसकी सेना में भर्ती होने के लिए किशोर लड़कों का अपहरण करते हैं और यौन दासियों के रूप में बलात्कार के लिए महिलाओं को बंधक बनाते हैं। इस बीच अफगानिस्तान में घटनाओं के 20 साल बाद वियतनाम युद्ध के दिग्गज जॉन रैम्बो अभी भी थाईलैंड में रह रहे हैं, एक सांप पकड़ने वाले के रूप में जीवन यापन कर रहे हैं और नाव की सवारी प्रदान कर रहे हैं। माइकल बर्नेट एक मशीनरी डॉक्टर अपने समूह को सलवीन नदी तक बर्मन तक पहुँचाने के लिए रैम्बो को काम पर रखने का प्रयास करता है। करने लोग के द्वारा बसाए गए एक गांव की चिकित्सक सहायता प्रदान करने के लिए मानवीय मिशन रैम्बो शुरू में मना कर देता है, फिर माइकल की
मंगेतर सारा मिलकर द्वारा श्वसन होने पर सहमत हो जाता है। यात्रा के दौरान समुद्री लुटेरे द्वारा नाव को रोक दिया जाता है, जो सारा को पारित होने के बदले में मांगती है, जिससे रैम्बो उन्हें मारने के लिए मजबूर हो जाता है। मिशनरी गांव में पहुंचते हैं, लेकिन टिंट की सेना द्वारा हमला किया जाता है। सारा, माइकल और अन्य बचे लोग को बंदी बना लिया जाता है। मिशनरियों के चर्चे पर पादरी थाईलैंड आता है और रैम्बो को बचाओ अभियान पर भाड़े के 500 सैनिक की एक टीम का मार्गदर्शन करने के लिए कहता है। रैम्बो भाड़े को ड्रॉप ऑफ पॉइंट पर ले जाता है और मदद की पेशकश करता है, लेकिन लेविस, एक पूर्व एसएसएस सैनिक और टीम के नेता, मना कर देते हैं। माइटी, एक क्रेन विद्रोही जो इस क्षेत्र से परिचित है, भाड़े के सैनिकों को नरसंहार स्थल पर ले जाता है। जैसे ही वे नुकसान का सर्वेक्षण करते हैं, टिंट के सैनिकों का एक दल एक ट्रक में कैदियों के एक समूह के साथ आता है, जिससे वे पीड़ा देने के लिए आगे बढ़ते हैं। रैम्बो समय पर आता है और बंदूकों को मुक्त करते हुए अपने धनुष और बाण से सैनिकों को मारता है। रैम्बो भाड़े के सैनिक में शामिल हो जाता है और वे रात में टीम के शिविर में अपना रास्ता बनाते हैं, जहां वे बचे हुए बंदूकों को चुपके से बचाते हैं। अगली सुबह टिंट और उसके सैनिक उनका पीछा करते हैं। रैम्बो सेना के एक वर्ग को एक निष्क्रिय टॉल बॉय बम की ओर आकर्षित करता है। इसे एक समयबद्ध क्लेमरों के साथ बंद कर देता है। टिन की सेना रैम्बो, सारा और स्कूल बॉय भाड़े के स्नाइपर को छोड़कर सभी को पकड़ लेते हैं। इससे पहले कि टिन उन्हें अंजाम दे सके, रैम्बो ने जीप पर लगे मशीन गन के साथ आश्चर्यजनक हमला किया और टिन के आदमियों को मारना शुरू कर दिया। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको रैम्बो 4 या क्या जॉन रैम्बो इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये मूवी अमेजॉन प्राइम पर अवेलेबल है। अगर आपके पास अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को देख सकते हैं बिल्कुल फ्री, बट आपके पास अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और आप हमारे वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉन रैम्बो मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, जॉन रैम्बो इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 7/10 रेटिंग दी है और इसे 4.4/5 रेटिंग दिया है वुडू ने, और इसे 86% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, जॉन रैम्बो ये 2008 की अमेरिकन एक्शन फिल्म है और फ्रेंड्स, जॉन रैम्बो ये रैम्बो 4 नाम से भी जाना जाता है ये मूवी। तो फ्रेंड्स, रैम्बो 4 क्या कह रहे जॉन रैम्बो, इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं सिल्वेस्टर स्टॉलन, लिखे हैं आर्ट मॉन्ट्रेस्टाइल सिल्वेस्टर स्टॉलन, और ये मूवी बेस्ड है जॉन रैम्बो जो कि डेविड मॉरेल की है, और इस मूवी को प्रोड्यूस किए एवी लर्नर, केविन किंग टेम्पलेसन, जॉन थॉम्पसन, और इस मूवी के स्टारिंग है सिल्वेस्टर स्टॉलन, जूली बेंस, पॉल सुलेज, मैथ्यू मार्सडेन, ग्राहम एमसी ताविश, रे गैलेगस, टिम कैंग, जेक ली बोटेस, मॉन्ग फिन, केन हॉवर्ड, और इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के ग्लेन मैक पियर्सन, और इस मूवी के एडिट किए सियान अल्बर्टसन, और इस मूवी में म्यूजिक दिए ब्रेन टेलर, और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी से न्यू इमेज, इक्विटी पिक्चर्स, मेड इन फॉन्ट्स, GmbH एंड को KG4, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए लायंस गेट दी विंस्टेन कंपनी, और ये मूवी 25 जनवरी 2008 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 91 मिनट्स, और ये यूनाइटेड स्टेट की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट 47.5 से 50 मिलियन डॉलर के आसपास रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $113.2 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में सिल्वेस्टर स्टैलन एज जॉन जे रैम्बो के रोल में नजर आए, और जूलिया बेंस एज सारा मिलर के रोल में, और पॉल सुलेज एज माइकल बोर्नेट के रोल में, और मैथ्यू मार्सडेन एज स्कूल बॉय के रोल में, और ग्राहम मैक टाइविस एज लीविज के रोल में, और टिम कैंग एज इन जू के रोल में, और रे गैलगोस एज डियाज के रोल में, और जेक ला बोटेस एज रीज के रोल में,
मोंग मोंग खिन खिन एज मेजर पार्टी टिन के रोल में और किन हॉवर्ड एज फादर आर्थर मैर्स के रोल में और सुपकॉर्न किट्सुओन एज मियन के रोल में और आयुंग आय नोई एज ल्यूटेंट एग ए के रोल में और सोनराम पार्ची मेटे सेंकरन कर्न एज था के रोल में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूं, तो चलिए स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, बर्मा में भगवा क्रांति के राजनीतिक विरोध के बीच निर्दयी एसपीडीसी अधिकारी मेजर पार्टी टीटी डर के अभियान में छोटो गाँवों को लूटने में बर्मी सेना का नेतृत्व करते हैं। उसके सैनिक बेगुनाहों का वध करते हैं, उसकी सेना में भर्ती होने के लिए किशोर लड़कों का अपहरण करते हैं और यौन दासियों के रूप में बलात्कार के लिए महिलाओं को बंधक बनाते हैं। इस बीच अफगानिस्तान में घटनाओं के 20 साल बाद वियतनाम युद्ध के दिग्गज जॉन रैम्बो अभी भी थाईलैंड में रह रहे हैं, एक सांप पकड़ने वाले के रूप में जीवन यापन कर रहे हैं और नाव की सवारी प्रदान कर रहे हैं। माइकल बर्नेट एक मशीनरी डॉक्टर अपने समूह को सलवीन नदी तक बर्मन तक पहुंचाने के लिए रैम्बो को काम पर रखने का प्रयास करता है। करने लोग के द्वारा बसाए गए एक गांव की चिकित्सक सहायता प्रदान करने के लिए मानवीय मिशन रैम्बो शुरू में मना कर देता है। फिर माइकल की मंगेतर सारा मिलकर द्वारा आश्वासन होने पर सहमत हो जाता है। यात्रा के दौरान समुद्री लुटेरे द्वारा नाव को रोक दिया जाता है, जो सारा को पारित होने के बदले में मांगती है, जिससे रैम्बो उन्हें मारने के लिए मजबूर हो जाता है। मिशनरी गांव में पहुंचते हैं लेकिन टिंट की सेना द्वारा हमला किया जाता है। सारा, माइकल और अन्य बचे लोग को बंदी बना लिया जाता है। मिशनरियों के चर्चे पर पादरी थाईलैंड आता है और रैम्बो को बचाओ अभियान पर भाड़े के 500 सैनिक की एक टीम का मार्गदर्शन करने के लिए कहता है। रैम्बो भाड़े को ड्रॉप ऑफ पॉइंट पर ले जाता है और मदद की पेशकश करता है, लेकिन लेविस एक पूर्व एसएसएस सैनिक और टीम के नेता मना कर देते हैं। माइटी एक क्रेन विद्रोही जो इस क्षेत्र से परिचित है भाड़े के सैनिकों को नरसंहार स्थल पर ले जाता है। जैसे ही वे नुकसान का सर्वेक्षण करते हैं, टिंट के सैनिकों का एक दल एक ट्रक में कैदियों के एक समूह के साथ आता है, जिससे वे पीड़ा देने के लिए आगे बढ़ते हैं। रैम्बो समय पर आता है और बंदूकों को मुक्त करते हुए अपने धनुष और बाण से सैनिकों को मारता है। रैम्बो भाड़े के सैनिक में शामिल हो जाता है और वे रात में टीम के शिविर में अपना रास्ता बनाते हैं, जहां वे बचे हुए बंदूकों को छुपके से बचाते हैं। अगली सुबह टिंट और उसके सैनिक उनका पीछा करते हैं। रैम्बो सेना के एक वर्ग को एक निष्क्रिय टॉल बॉय बम की ओर आकर्षित करता है, इसे एक समयबद्ध क्लेमरों के साथ बंद कर देता है। टिन की सेना रैम्बो सारा और स्कूल बॉय भाड़े के स्नाइपर को छोड़कर सभी को पकड़ लेते हैं। इससे पहले कि टिन उन्हें अंजाम दे सके, रैम्बो ने जीप पर लगे मशीन गन के साथ आश्चर्यजनक हमला किया और टिन के आदमियों को मारना शुरू कर दिया। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको रैम्बो 4 या क्या जॉन रैम्बो इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये मूवी अमेजॉन प्राइम पर अवेलेबल है। अगर आपके पास अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को देख सकते हैं बिल्कुल फ्री, बट आपके पास अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और आप हमारे वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉन रैम्बो मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, जॉन रैम्बो इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 7/10 रेटिंग दी है और इसे 4.4/5 रेटिंग दिया है वुडू ने और इसे 86% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, जॉन रैम्बो ये 2008 की अमेरिकन एक्शन फिल्म है और फ्रेंड्स, जॉन रैम्बो ये रैम्बो 4 नाम से भी जाना जाता है ये मूवी। तो फ्रेंड्स, रैम्बो 4 क्या कहें जॉन रैम्बो इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं सिल्वेस्टर स्टॉलन, लिखे हैं आर्ट
मॉन्ट्रेस्टाइल, सिल्वेस्टर स्टोलेन, और ये मूवी बेस्ड है जॉन रैम्बो जो कि डेविड मॉरेल की है। और इस मूवी को प्रोड्यूस किए एवी लर्नर, केविन किंग टेम्पलेसन, जॉन थॉम्पसन, और इस मूवी के स्टारिंग है सिल्वेस्टर स्टोलेन, जूली बेंस, पॉल सुलेज, मैथ्यू मार्सडेन, ग्राहम एमसी ताविश, रे गैलेगस, टिम कैंग, जेक ली बोटेस, मॉन्ग किन, केन हॉवर्ड। और इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के ग्लेन मैक पियर्सन, और इस मूवी के एडिट किए सियान अल्बर्टसन, और इस मूवी में म्यूजिक दिए ब्रेन टेलर, और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी से न्यू इमेज, इक्विटी पिक्चर्स, मेड इन फॉन्ट्स, GmbH एंड को KG4। और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए लायंस गेट दी विंस्टेन कंपनी। और ये मूवी 25 जनवरी 2008 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई, और इसका रनिंग टाइम रहा 91 मिनट्स। और ये यूनाइटेड स्टेट की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट 47.5 से 50 मिलियन डॉलर के आसपास रहा, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 113.2 मिलियन डॉलर रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में सिल्वेस्टर स्टैलोन एज जॉन जे रैम्बो के रोल में नजर आए, और जूलिया बेंस एंड सारा मिलर के रोल में, और पॉल सुलेज एज माइकल बोर्नेट के रोल में, और मैथ्यू मार्सडेन एज स्कूल बॉय के रोल में, और ग्राहम मैक टैविस एज लीविज के रोल में, और टिम कैंग एज इन जू के रोल में, और रे गैलगोस एज डियाज के रोल में, और जेक ला बोटेस एज रीज के रोल में, मॉन्ग किन एज मेजर पार्टी टिन के रोल में, और किन हॉवर्ड एज फादर आर्थर मैर्स के रोल में, और सुपकॉर्न किट्सुओन एज मियन के रोल में, और आयुंग आय नोई एज ल्यूटेंट एग ए के रोल में, और सोनराम पार्ची मेटेसंकरन कर्न एज था के रोल में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूं, तो चलिए स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, बर्मा में भगवा क्रांति के राजनीति विरोध के बीच निर्दयी SPDC अधिकारी मेजर पार्टी टीटी डर के अभियान में छोटो गांवों को लूटने में बर्मी सेना की सेना का नेतृत्व करते हैं। उसके सैनिक बेगुनाहों का वध करते हैं, उसकी सेना में भर्ती होने के लिए किशोर लड़कों का अपहरण करते हैं, और यौन दासियों के रूप में बलात्कार के लिए महिलाओं को बंधक बनाते हैं। इस बीच अफगानिस्तान में घटनाओं के 20 साल बाद वियतनाम युद्ध के दिग्गज जॉन रैम्बो अभी भी थाईलैंड में रह रहे हैं, एक सांप पकड़ने वाले के रूप में जीवन यापन कर रहे हैं, और नाव की सवारी प्रदान कर रहे हैं। माइकल बर्नेट एक मशीनरी डॉक्टर अपने समूह को सलवीन नदी तक बर्मन तक पहुँचाने के लिए रैम्बो को काम पर रखने का प्रयास करता है। करने लोग के द्वारा बसाए गए एक गांव की चिकित्सक सहायता प्रदान करने के लिए मानवीय मिशन रैम्बो शुरू में मना कर देता है। फिर माइकल की मंगेतर सारा मिलकर द्वारा आश्वासन होने पर सहमत हो जाता है। यात्रा के दौरान समुद्री लुटेरे द्वारा नाव को रोक दिया जाता है, जो सारा को पारित होने के बदले में मांगती है, जिससे रैम्बो उन्हें मारने के लिए मजबूर हो जाता है। मिशनरी गांव में पहुंचते हैं, लेकिन टिंट की सेना द्वारा हमला किया जाता है। सारा, माइकल और अन्य बचे लोग को बंदी बना लिया जाता है। मिशनरियों के चर्चे पर पादरी थाईलैंड आता है, और रैम्बो को बचाओ अभियान पर भाड़े के 500 सैनिक की एक टीम का मार्गदर्शन करने के लिए कहता है। रैम्बो भाड़े को ड्रॉप ऑफ पॉइंट पर ले जाता है और मदद की पेशकश करता है, लेकिन लेविस एक पूरे SS सैनिक और टीम के नेता मना कर देते हैं। माइटी एक क्रेन विद्रोही जो इस क्षेत्र से परिचित है, भाड़े के सैनिकों को नरसंहार स्थल पर ले जाता है। जैसे ही वे नुकसान का सर्वेक्षण करते हैं, टिंट के सैनिकों का एक दल एक ट्रक में कैदियों के एक समूह के साथ आता है, जिससे वे पीड़ा देने के लिए आगे बढ़ते हैं। रैम्बो समय पर आता है और बंदूकों को मुक्त करते हुए अपने धनुष और बाण से सैनिकों को मारता है। रैम्बो भाड़े के सैनिक में शामिल हो जाता है, और वे रात में टिन के शिविर में अपना रास्ता बनाते हैं, जहां वे बचे हुए बंदूकों को चुपके से बचाते हैं। अगली सुबह टिंट और उसके सैनिक उनका पीछा करते हैं। रैम्बो सेना के एक वर्ग को एक निष्क्रिय टॉल बॉय बम की
ओर आकर्षित करता है। इसे एक समयबद्ध क्लेमरों के साथ बंद कर देता है। टिन की सेना रैम्बो, सारा और स्कूल बॉय भाड़े के स्नाइपर को छोड़कर सभी को पकड़ लेते हैं। इससे पहले कि टिन उन्हें अंजाम दे सके, रैम्बो ने जीप पर लगे मशीन गन के साथ आश्चर्यजनक हमला किया और टिन के आदमियों को मारना शुरू कर दिया। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको रैम्बो 4 या क्या जॉन रैम्बो इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये मूवी अमेज़ॉन प्राइम पर अवेलेबल है। अगर आपके पास अमेज़ॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को देख सकते हैं बिल्कुल फ्री, बट आपके पास अमेज़ॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और आप हमारे वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉन रैम्बो मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, जॉन रैम्बो इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 7/10 रेटिंग दी है और इसे 4.4/5 रेटिंग दिया है वुडू ने और इसे 86% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, जॉन रैम्बो ये 2008 की अमेरिकन एक्शन फिल्म है और फ्रेंड्स, जॉन रैम्बो ये रैम्बो 4 नाम से भी जाना जाता है ये मूवी। तो फ्रेंड्स, रैम्बो 4 क्या कहें, जॉन रैम्बो इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं सिल्वेस्टर स्टॉलन, लिखे हैं आर्ट मॉन्ट्रेस्टाइल, सिल्वेस्टर स्टॉलन, और ये मूवी बेस्ड है जॉन रैम्बो जो कि डेविड मॉरेल की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए एवी लर्नर, केविन किंग टेम्पलेसन, जॉन थॉम्पसन और इस मूवी के स्टारिंग है सिल्वेस्टर स्टॉलन, जूली बेंस, पॉल सुलेज, मैथ्यू मार्सडेन, ग्राहम एमसी ताविश, रे गैलेगस, टिम कैंग, जेक ली बोटेस, मॉन्ग किन, केन हॉवर्ड और इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के ग्लेन मैक पियर्सन और इस मूवी के एडिट किए सियान अल्बर्टसन और इस मूवी में म्यूजिक दिए ब्रेन टेलर और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी से न्यू इमेज, इक्विटी पिक्चर्स, मेड इन फॉन्ट्स, GmbH एंड को KG4 और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए लायंस गेट दी विंस्टेन कंपनी और ये मूवी 25 जनवरी 2008 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 91 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट 47.5 से 50 मिलियन डॉलर के आसपास रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 113.2 मिलियन डॉलर रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में सिल्वेस्टर स्टैलन एज जॉन जे रैम्बो के रोल में नजर आए और जूलिया बेंज एंड सारा मिलर के रोल में और पॉल सुलेज एज माइकल बोर्नेट के रोल में और मैथ्यू मार्सडेन एज स्कूल बॉय के रोल में और ग्राहम मैक टाइविस एज लीविज के रोल में और टिम कैंग एज इन जू के रोल में और रे गैलगोस एज डियाज के रोल में और जेक ला बोटेस एज रीज के रोल में, मॉन्ग किन एज मेजर पार्टी टिन के रोल में और किन हॉवर्ड एज फादर आर्थर मैर्स के रोल में और सुपकॉर्न किट्सुओन एज मियन के रोल में और आयुंग आय नोई एज ल्यूटेंट एग ए के रोल में और सोनराम पार्ची मेटेसंकरन एज था के रोल में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूं, तो चलिए स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, बर्मा में भगवा क्रांति के राजनीतिक विरोध के बीच निर्दयी SPDC अधिकारी मेजर पार्टी टीटी डर के अभियान में छोटो गांव को लूटने में बर्मी सेना का नेतृत्व करते हैं। उसके सैनिक बेगुनाहों का वध करते हैं, उसकी सेना में भर्ती होने के लिए किशोर लड़कों का अपहरण करते हैं और यौन दासियों के रूप में बलात्कार के लिए महिलाओं को बंधक बनाते हैं। इस बीच अफगानिस्तान में घटनाओं के 20 साल बाद वियतनाम युद्ध के दिग्गज जॉन रैम्बो अभी भी थाईलैंड में रह रहे हैं, एक सांप पकड़ने वाले के रूप में जीवन यापन कर रहे हैं और नाव की सवारी प्रदान कर रहे हैं। माइकल बर्नेट एक मशीनरी डॉक्टर अपने समूह को सलवीन नदी तक बर्मन तक पहुँचाने के लिए रैम्बो को काम पर रखने का प्रयास करता है।
करने लोग के द्वारा बसाए गए एक गांव की चिकित्सक सहायता प्रदान करने के लिए मानवीय मिशन रैम्बो शुरू में मना कर देता है। फिर माइकल की मंगेतर सारा मिलकर द्वारा आश्वासन होने पर सहमत हो जाता है। यात्रा के दौरान समुद्री लुटेरे द्वारा नाव को रोक दिया जाता है, जो सारा को पारित होने के बदले में मांगती है, जिससे रैम्बो उन्हें मारने के लिए मजबूर हो जाता है। मिशनरी गांव में पहुंचते हैं, लेकिन टिंट की सेना द्वारा हमला किया जाता है। सारा, माइकल और अन्य बचे लोग को बंदी बना लिया जाता है। मिशनरियों के चर्चे पर पादरी थाईलैंड आता है और रैम्बो को बचाओ अभियान पर भाड़े के 500 सैनिक की एक टीम का मार्गदर्शन करने के लिए कहता है। रैम्बो भाड़े को ड्रॉप ऑफ पॉइंट पर ले जाता है और मदद की पेशकश करता है, लेकिन लेविस, एक पूरे एसएसएस सैनिक और टीम के नेता, मना कर देते हैं। माइटी, एक क्रेन विद्रोही जो इस क्षेत्र से परिचित है, भाड़े के सैनिकों को नरसंहार स्थल पर ले जाता है। जैसे ही वे नुकसान का सर्वेक्षण करते हैं, टिंट के सैनिकों का एक दल एक ट्रक में कैदियों के एक समूह के साथ आता है, जिससे वे पीड़ा देने के लिए आगे बढ़ते हैं। रैम्बो समय पर आता है और बंदूकों को मुक्त करते हुए अपने धनुष और बाण से सैनिकों को मारता है। रैम्बो भाड़े के सैनिक में शामिल हो जाता है और वे रात में टीम के शिविर में अपना रास्ता बनाते हैं, जहां वे बचे हुए बंदूकों को चुपके से बचाते हैं। अगली सुबह टिंट और उसके सैनिक उनका पीछा करते हैं। रैम्बो सेना के एक वर्ग को एक निष्क्रिय टॉल वाय बम की और आकर्षित करता है। इसे एक समयबद्ध क्लेमरों के साथ बंद कर देता है। टिंट की सेना रैम्बो, सारा और स्कूल बॉय भाड़े के स्नाइपर को छोड़कर सभी को पकड़ लेते हैं। इससे पहले कि टिंट उन्हें अंजाम दे सके, रैम्बो ने जीप पर लगे मशीन गन के साथ आश्चर्यजनक हमला किया और टिंट के आदमियों को मारना शुरू कर दिया। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको रैम्बो 4 या क्या जॉन रैम्बो इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये मूवी अमेज़ॉन प्राइम पर अवेलेबल है। अगर आपके पास अमेज़ॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को देख सकते हैं बिल्कुल फ्री, बट आपके पास अमेज़ॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और आप हमारे वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉन रैम्बो मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, जॉन रैम्बो इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 7/10 रेटिंग दी है और इसे 4.4/5 रेटिंग दिया है वूडू ने और इसे 86% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, जॉन रैम्बो ये 2008 की अमेरिकन एक्शन फिल्म है और फ्रेंड्स, जॉन रैम्बो ये रैम्बो 4 नाम से भी जाना जाता है ये मूवी। तो फ्रेंड्स, रैम्बो 4 क्या कहें जॉन रैम्बो, इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं सिल्वेस्टर स्टॉलिन, लिखे हैं आर्ट मॉन्ट्रेस्टाइल, सिल्वेस्टर स्टॉलिन, और ये मूवी बेस्ड है जॉन रैम्बो जो कि डेविड मॉरेल की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए एवी लर्नर, केविन किंग टेम्पलेसन, जॉन थॉम्पसन और इस मूवी के स्टारिंग है सिल्वेस्टर स्टॉलिन, जूली बेंस, पॉल सुलेज, मैथ्यू मार्सडेन, ग्राहम एमसी ताविश, रे गैलेगस, टिम कैंग, जेक ली बोटेस, मॉन्ग फिन, केन हॉवर्ड और इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के ग्लेन मैक पियर्सन और इस मूवी के एडिट किए सियान अल्बर्टसन और इस मूवी में म्यूजिक दिए ब्रेन टेलर और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी से न्यू इमेज, इक्विटी पिक्चर्स, मेड इन फॉन्ट्स, GmbH एंड को KG4 और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए लायंस गेट दी विनस्टेन कंपनी और ये मूवी 25 जनवरी 2008 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 91 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट 47.5 से 50 मिलियन डॉलर के आसपास रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $113.2 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें
तो फ्रेंड्स हमें इस मूवी में सिल्वेस्टर स्टैलन एज जॉन जे रैम्बो के रोल में नजर आए और जूलिया बेंजन सारा मिलर के रोल में और पॉल सोलेज एज माइकल बोर्नेट के रोल में और मैथ्यू मार्सडन एज स्कूल बॉय के रोल में और ग्राहम मैक टाइविस एज लीविज के रोल में और टिम कैंग एज इन जू के रोल में और रे गैलगोस एज डियाज के रोल में और जेक ला बोटेज एज रीज के रोल में मॉन्ग मॉन्ग खिन खिन एज मेजर पार्टी टिन के रोल में और किन हॉवर्ड एज फादर आर्थर मैर्स के रोल में और सुपकॉर्न किट्सुओन एज मियन के रोल में और आयुंग आय नोई एज ल्यूटेंट आय ए के रोल में और सोनराम पार्ची मैटेसंकरन कर्न एज था के रोल में। तो फ्रेंड्स इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूं, तो चलिए स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स बर्मा में भगवा क्रांति के राजनीतिक विरोध के बीच निर्दयी एसपीडीसी अधिकारी मेजर पार्टी टीटी डर के अभियान में छोटो गाँव को लूटने में बर्मी सेना का नेतृत्व करते हैं। उसके सैनिक बेगुनाहों का वध करते हैं, उसकी सेना में भर्ती होने के लिए किशोर लड़कों का अपहरण करते हैं और यौन दासियों के रूप में बलात्कार के लिए महिलाओं को बंधक बनाते हैं। इस बीच अफगानिस्तान में घटनाओं के 20 साल बाद वियतनाम युद्ध के दिग्गज जॉन रैम्बो अभी भी थाईलैंड में रह रहे हैं, एक सांप पकड़ने वाले के रूप में जीवन यापन कर रहे हैं और नाव की सवारी प्रदान कर रहे हैं। माइकल बर्नेट एक मशीनरी डॉक्टर अपने समूह को सलवीन नदी तक बर्मन तक पहुंचाने के लिए रैम्बो को काम पर रखने का प्रयास करता है। करने लोग के द्वारा बसाए गए एक गांव की चिकित्सक सहायता प्रदान करने के लिए मानवीय मिशन रैम्बो शुरू में मना कर देता है। फिर माइकल की मंगेतर सारा मिलकर द्वारा आश्वासन होने पर सहमत हो जाता है। यात्रा के दौरान समुद्री लुटेरे द्वारा नाव को रोक दिया जाता है जो सारा को पारित होने के बदले में मांगती है, जिससे रैम्बो उन्हें मारने के लिए मजबूर हो जाता है। मिशनरी गांव में पहुंचते हैं लेकिन टिंट की सेना द्वारा हमला किया जाता है। सारा माइकल और अन्य बचे लोग को बंदी बना लिया जाता है। मिशनरियों के चर्चे पर पादरी थाईलैंड आता है और रैम्बो को बचाओ अभियान पर भाड़े के 500 सैनिक की एक टीम का मार्गदर्शन करने के लिए कहता है। रैम्बो भाड़े को ड्रॉप ऑफ पॉइंट पर ले जाता है और मदद की पेशकश करता है, लेकिन लेविस एक पूरे एसएसएस सैनिक और टीम के नेता मना कर देते हैं। माइटी एक क्रेन विद्रोही जो इस क्षेत्र से परिचित है भाड़े के सैनिकों को नरसंहार स्थल पर ले जाता है। जैसे ही वे नुकसान का सर्वेक्षण करते हैं टिंट के सैनिकों का एक दल एक ट्रक में कैदियों के एक समूह के साथ आता है, जिससे वे पीड़ा देने के लिए आगे बढ़ते हैं। रैम्बो समय पर आता है और बंदूकों को मुक्त करते हुए अपने धनुष और बाण से सैनिकों को मारता है। रैम्बो भाड़े के सैनिक में शामिल हो जाता है और वे रात में टीम के शिविर में अपना रास्ता बनाते हैं जहां वे बचे हुए बंदूकों को चुपके से बचाते हैं। अगली सुबह टिंट और उसके सैनिक उनका पीछा करते हैं। रैम्बो सेना के एक वर्ग को एक निष्क्रिय टॉल बॉय बम की ओर आकर्षित करता है, इसे एक समयबद्ध क्लेमरों के साथ बंद कर देता है। टिन की सेना रैम्बो सारा और स्कूल बॉय भाड़े के स्नाइपर को छोड़कर सभी को पकड़ लेते हैं। इससे पहले कि टिन उन्हें अंजाम दे सके रैम्बो ने जीप पर लगे मशीन गन के साथ आश्चर्यजनक हमला किया और टिन के आदमियों को मारना शुरू कर दिया। तो फ्रेंड्स आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको रैम्बो 4 या क्या जॉन रैम्बो इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये मूवी अमेजॉन प्राइम पर अवेलेबल है। अगर आपके पास अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को देख सकते हैं बिल्कुल फ्री, बट आपके पास अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन होगा तो। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और आप हमारे वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉन रैम्बो मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स जॉन रैम्बो इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स इस मूवी को आईएमडीबी ने
7/10 रेटिंग दी है और इसे 4.4/5 रेटिंग दिया है वुडू ने, और इसे 86% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, जॉन रैम्बो ये 2008 की अमेरिकन एक्शन फिल्म है, और फ्रेंड्स जॉन रैम्बो ये रैम्बो 4 नाम से भी जाना जाता है ये मूवी। तो फ्रेंड्स, रैम्बो 4 क्या कहें, जॉन रैम्बो इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं सिल्वेस्टर स्टॉलन, लिखे हैं आर्ट मॉन्ट्रेस्टाइल, सिल्वेस्टर स्टॉलन, और ये मूवी बेस्ड है जॉन रैम्बो जो कि डेविड मॉरेल की है, और इस मूवी को प्रोड्यूस किए एवी लर्नर, केविन किंग टेम्पलेसन, जॉन थॉम्पसन, और इस मूवी के स्टारिंग है सिल्वेस्टर स्टॉलन, जूली बेंस, पॉल सुलेज, मैथ्यू मार्सडेन, ग्राहम एमसी ताविश, रे गैलेगस, टिम कैंग, जेक ली बोटेस, मॉन्ग किन, केन हॉवर्ड, और इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के ग्लेन मैक पियर्सन, और इस मूवी के एडिट किए सियान अल्बर्टसन, और इस मूवी में म्यूजिक दिए ब्रेन टेलर, और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी से न्यू इमेज, इक्विटी पिक्चर्स, मेड इन फॉन्ट्स, GmbH एंड को KG4, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए लायंस गेट, दी विंस्टेन कंपनी, और ये मूवी 25 जनवरी 2008 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई, और इसका रनिंग टाइम रहा 91 मिनट्स, और ये यूनाइटेड स्टेट की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट 47.5 से 50 मिलियन डॉलर के आसपास रहा, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 113.2 मिलियन डॉलर रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हमें इस मूवी में सिल्वेस्टर स्टैलन एज जॉन जे रैम्बो के रोल में नजर आए, और जूलिया बेंस एंड सारा मिलर के रोल में, और पॉल सुलेज एज माइकल बोर्नेट के रोल में, और मैथ्यू मार्सडेन एज स्कूल बॉय के रोल में, और ग्राहम मैक टाइविस एज लीविज के रोल में, और टिम कैंग एज इन जू के रोल में, और रे गैलगोस एज डियाज के रोल में, और जेक ला बोटेस एज रीज के रोल में, मॉन्ग किन एज मेजर पार्टी टिन के रोल में, और किन हॉवर्ड एज फादर आर्थुर मैर्स के रोल में, और सुपकॉर्न किट्सुओन एज मियन के रोल में, और आयुंग आए नोई एज ल्यूटेंट ए के रोल में, और सोनराम पार्ची मेट संकरण एज था के रोल में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूं, तो चलिए स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, बर्मा में भगवा क्रांति के राजनीतिक विरोध के बीच निर्दयी SPDC अधिकारी मेजर पार्टी टीटी डर के अभियान में छोटो गांवों को लूटने में बर्मी सेना की सेना का नेतृत्व करते हैं। उसके सैनिक बेगुनाहों का वध करते हैं, उसकी सेना में भर्ती होने के लिए किशोर लड़कों का अपहरण करते हैं, और यौन दासियों के रूप में बलात्कार के लिए महिलाओं को बंधक बनाते हैं। इस बीच अफगानिस्तान में घटनाओं के 20 साल बाद वियतनाम युद्ध के दिग्गज जॉन रैम्बो अभी भी थाईलैंड में रह रहे हैं, एक सांप पकड़ने वाले के रूप में जीवन यापन कर रहे हैं, और नाव की सवारी प्रदान कर रहे हैं। माइकल बर्नेट एक मशीनरी डॉक्टर अपने समूह को सलवीन नदी तक बर्मन तक पहुँचाने के लिए रैम्बो को काम पर रखने का प्रयास करता है। करने लोग के द्वारा बसाए गए एक गांव की चिकित्सक सहायता प्रदान करने के लिए मानवीय मिशन रैम्बो शुरू में मना कर देता है, फिर माइकल की मंगेतर सारा मिलकर द्वारा आश्वासन होने पर सहमत हो जाता है। यात्रा के दौरान समुद्री लुटेरे द्वारा नाव को रोक दिया जाता है, जो सारा को पारित होने के बदले में मांगती है, जिससे रैम्बो उन्हें मारने के लिए मजबूर हो जाता है। मिशनरी गांव में पहुंचते हैं, लेकिन टिंट की सेना द्वारा हमला किया जाता है। सारा, माइकल और अन्य बचे लोग को बंदी बना लिया जाता है। मिशनरियों के चर्चे पर पादरी थाईलैंड आता है, और रैम्बो को बचाव अभियान पर भाड़े के 500 सैनिक की एक टीम का मार्गदर्शन करने के लिए कहता है। रैम्बो भाड़े को ड्रॉप ऑफ पॉइंट पर ले जाता है और मदद की पेशकश करता है, लेकिन लेविस एक पूर्व SS सैनिक और टीम के नेता मना कर देते हैं। माइटी एक क्रेन विद्रोही जो इस क्षेत्र से परिचित है भाड़े के सैनिकों को नरसंहार स्थल पर ले जाता है। जैसे ही वे नुकसान का सर्वेक्षण करते हैं, टिंट के सैनिकों का एक दल एक ट्रक में कैदियों के एक समूह के साथ आता है, जिससे वे पीड़ा देने के लिए आगे बढ़ते हैं।
रैम्बो समय पर आता है और बंधकों को मुक्त करते हुए अपने धनुष और बाण से सैनिकों को मारता है। रैम्बो भाड़े के सैनिक में शामिल हो जाता है और वे रात में टीम के शिविर में अपना रास्ता बनाते हैं, जहां वे बचे हुए बंधकों को चुपके से बचाते हैं। अगली सुबह टिंट और उसके सैनिक उनका पीछा करते हैं। रैम्बो सेना के एक वर्ग को एक निष्क्रिय टॉल बॉय बम की ओर आकर्षित करता है। इसे एक समयबद्ध क्लेमरों के साथ बंद कर देता है। टिंट की सेना रैम्बो, सारा और स्कूल बॉय भाड़े के स्नाइपर को छोड़कर सभी को पकड़ लेते हैं। इससे पहले कि टिंट उन्हें अंजाम दे सके, रैम्बो ने जीप पर लगे मशीन गन के साथ आश्चर्यजनक हमला किया और टिंट के आदमियों को मारना शुरू कर दिया। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको रैम्बो 4 या क्या जॉन रैम्बो इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये मूवी अमेजॉन प्राइम पर अवेलेबल है। अगर आपके पास अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को देख सकते हैं बिल्कुल फ्री, बट आपके पास अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन होगा तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और आप हमारे वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉन रैम्बो मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, जॉन रैम्बो इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 7/10 रेटिंग दी है और इसे 4.4/5 रेटिंग दिया है वुडू ने, और इसे 86% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, जॉन रैम्बो ये 2008 की अमेरिकन एक्शन फिल्म है और फ्रेंड्स, जॉन रैम्बो ये रैम्बो 4 नाम से भी जाना जाता है ये मूवी। तो फ्रेंड्स, रैम्बो 4 क्या कह रहे जॉन रैम्बो, इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं सिल्वेस्टर स्टॉलन, लिखे हैं आर्ट मॉन्ट्रेस्टाइल सिल्वेस्टर स्टॉलन, और ये मूवी बेस्ड है जॉन रैम्बो जो कि डेविड मॉरेल की है, और इस मूवी को प्रोड्यूस किए एवी लर्नर, केविन किंग टेम्पलेसन, जॉन थॉम्पसन, और इस मूवी के स्टारिंग है सिल्वेस्टर स्टॉलन, जूली बेंस, पॉल सुलेज, मैथ्यू मार्सडेन, ग्राहम एमसी ताविश, रे गैलेगस, टिम कैंग, जेक ली बोटेस, मॉन्ग किन, केन हॉवर्ड, और इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के ग्लेन मैक पियर्सन, और इस मूवी के एडिट किए सियान अल्बर्टसन, और इस मूवी में म्यूजिक दिए ब्रेन टेलर, और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी से न्यू इमेज, इक्विटी पिक्चर्स, मेड इन फॉन्ट्स, GmbH एंड को KG4, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए लायंस गेट दी विंस्टेन कंपनी, और ये मूवी 25 जनवरी 2008 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 91 मिनट्स, और ये यूनाइटेड स्टेट की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट 47.5 से 50 मिलियन डॉलर के आसपास रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $113.2 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में सिल्वेस्टर स्टैलन एज जॉन जे रैम्बो के रोल में नजर आए, और जूलिया बेंस एज सारा मिलर के रोल में, और पॉल सुलेज एज माइकल बोर्नेट के रोल में, और मैथ्यू मार्सडेन एज स्कूल बॉय के रोल में, और ग्राहम मैक टाइविस एज लीविज के रोल में, और टिम कैंग एज इन जू के रोल में, और रे गैलगोस एज डियाज के रोल में, और जेक ला बोटेस एज रीज के रोल में, मॉन्ग किन एज मेजर पार्टी टिंट के रोल में, और किन हॉवर्ड एज फादर आर्थर मैर्स के रोल में, और सुपकॉर्न किट्सुओन एज मियन के रोल में, और आयुंग आय नोई एज ल्यूटेंट ए के रोल में, और सोनराम पार्ची मेटे सेंकर्न एज था के रोल में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूं, तो चलिए स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, बर्मा में भगवा क्रांति के राजनीतिक विरोध के बीच निर्दयी SPDC अधिकारी मेजर पार्टी टीटी डर के अभियान में छोटो गांवों को लूटने में बर्मी सेना की सेना का नेतृत्व करते हैं। उसके सैनिक बेगुनाहों का वध करते हैं, उसकी सेना में भर्ती होने के लिए किशोर लड़कों का अपहरण करते हैं, और यौन दासियों के रूप में बलात्कार के लिए महिलाओं को बंधक बनाते हैं। इस बीच अफगानिस्तान में घटनाओं के 20 साल बाद वियतनाम युद्ध के दिग्गज जॉन रैम्बो अभी भी थाईलैंड में रह रहे हैं।
एक सांप पकड़ने वाले के रूप में जीवन यापन कर रहे हैं और नाव की सवारी प्रदान कर रहे हैं। माइकल बर्नेट, एक मशीनरी डॉक्टर, अपने समूह को सलवीन नदी तक, बर्मन तक पहुंचाने के लिए रैम्बो को काम पर रखने का प्रयास करता है। करने लोग के द्वारा बसाए गए एक गांव की चिकित्सक सहायता प्रदान करने के लिए मानवीय मिशन, रैम्बो शुरू में मना कर देता है। फिर माइकल की मंगेतर सारा मिलकर द्वारा आश्वासन होने पर सहमत हो जाता है। यात्रा के दौरान समुद्री लुटेरे द्वारा नाव को रोक दिया जाता है, जो सारा को पारित होने के बदले में मांगती है, जिससे रैम्बो उन्हें मारने के लिए मजबूर हो जाता है। मिशनरी गांव में पहुंचते हैं, लेकिन टिंट की सेना द्वारा हमला किया जाता है। सारा, माइकल और अन्य बचे लोग को बंदी बना लिया जाता है। मिशनरियों के चर्चे पर पादरी थाईलैंड आता है और रैम्बो को बचाओ अभियान पर भाड़े के 500 सैनिक की एक टीम का मार्गदर्शन करने के लिए कहता है। रैम्बो भाड़े को ड्रॉप ऑफ पॉइंट पर ले जाता है और मदद की पेशकश करता है, लेकिन लेविस, एक पूर्व एसएसएस सैनिक और टीम के नेता, मना कर देते हैं। माइटी, एक क्रेन विद्रोही जो इस क्षेत्र से परिचित है, भाड़े के सैनिकों को नरसंहार स्थल पर ले जाता है। जैसे ही वे नुकसान का सर्वेक्षण करते हैं, टिंट के सैनिकों का एक दल एक ट्रक में कैदियों के एक समूह के साथ आता है, जिससे वे पीड़ा देने के लिए आगे बढ़ते हैं। रैम्बो समय पर आता है और बंदूकों को मुक्त करते हुए अपने धनुष और बाण से सैनिकों को मारता है। रैम्बो भाड़े के सैनिक में शामिल हो जाता है और वे रात में टीम के शिविर में अपना रास्ता बनाते हैं, जहां वे बचे हुए बंदूकों को चुपके से बचाते हैं। अगली सुबह टिंट और उसके सैनिक उनका पीछा करते हैं। रैम्बो सेना के एक वर्ग को एक निष्क्रिय टॉल बॉय बम की ओर आकर्षित करता है। इसे एक समयबद्ध क्लेमरों के साथ बंद कर देता है। टिन की सेना रैम्बो, सारा और स्कूल बॉय भाड़े के स्नाइपर को छोड़कर सभी को पकड़ लेते हैं। इससे पहले कि टिन उन्हें अंजाम दे सके, रैम्बो ने जीप पर लगे मशीन गन के साथ आश्चर्यजनक हमला किया और टिन के आदमियों को मारना शुरू कर दिया। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको रैम्बो 4 या क्या जॉन रैम्बो इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये मूवी अमेजॉन प्राइम पर अवेलेबल है। अगर आपके पास अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को देख सकते हैं बिल्कुल फ्री, बट आपके पास अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और आप हमारे वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉन रैम्बो मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, जॉन रैम्बो इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 7/10 रेटिंग दी है और इसे 4.4/5 रेटिंग दिया है वुडू ने, और इसे 86% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, जॉन रैम्बो ये 2008 की अमेरिकन एक्शन फिल्म है और फ्रेंड्स, जॉन रैम्बो ये रैम्बो 4 नाम से भी जाना जाता है ये मूवी। तो फ्रेंड्स, रैम्बो 4 क्या कह रहे जॉन रैम्बो, इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं सिल्वेस्टर स्टॉलन, लिखे हैं आर्ट मॉन्ट्रेस्टाइल, सिल्वेस्टर स्टॉलन, और ये मूवी बेस्ड है जॉन रैम्बो जो कि डेविड मॉरेल की है, और इस मूवी को प्रोड्यूस किए एवी लर्नर, केविन किंग टेम्पलेसन, जॉन थॉम्पसन, और इस मूवी के स्टारिंग है सिल्वेस्टर स्टॉलन, जूली बेंस, पॉल सुलेज, मैथ्यू मार्सडेन, ग्राहम एमसी ताविश, रे गैलेगस, टिम कैंग, जेक ली बोटेस, मॉन्ग फिन, केन हॉवर्ड, और इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के ग्लेन मैक पियर्सन, और इस मूवी के एडिट किए सियान अल्बर्टसन, और इस मूवी में म्यूजिक दिए ब्रेन टेलर, और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी से न्यू इमेज, इक्विटी पिक्चर्स, मेड इन फॉन्ट्स, GmbH एंड को KG4, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए
लायंस गेट दी विंस्टेन कंपनी, और ये मूवी 25 जनवरी 2008 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 91 मिनट्स। और ये यूनाइटेड स्टेट की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट 47.5 से 50 मिलियन डॉलर के आसपास रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 113.2 मिलियन डॉलर रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में सिल्वेस्टर स्टैलिन एज जॉन जे रैम्बो के रोल में नजर आए और जूलिया बेंजन सारा मिलर के रोल में और पॉल सुलेज एज माइकल बोर्नेट के रोल में और मैथ्यू मार्सडेन एज स्कूल बॉय के रोल में और ग्राहम मैक टाइविस एज लीवीज के रोल में और टिम कैंग एज इन जू के रोल में और रे गैलगोज एज डियाज के रोल में और जेक ला बोटेज एज रीज के रोल में, मॉन्ग मॉन्ग खिन खिन एज मेजर पार्टी टिन के रोल में और किन हॉवर्ड एज फादर आर्थर मैर्स के रोल में और सुपकॉर्न किट्सुओन एज मियन के रोल में और आयुंग आय नोई एज ल्यूटेंट एग ए के रोल में और सोनराम पार्ची मेट शंकरन कर्न एज था के रोल में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूं, तो चलिए स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, बर्मा में भगवा क्रांति के राजनीति विरोध के बीच निर्दयी एसपीडीसी अधिकारी मेजर पार्टी टीटी डर के अभियान में छोटो गांवों को लूटने में बर्मी सेना का नेतृत्व करते हैं। उसके सैनिक बेगुनाहों का वध करते हैं, उसकी सेना में भर्ती होने के लिए किशोर लड़कों का अपहरण करते हैं और यौन दासियों के रूप में बलात्कार के लिए महिलाओं को बंधक बनाते हैं। इस बीच अफगानिस्तान में घटनाओं के 20 साल बाद वियतनाम युद्ध के दिग्गज जॉन रैम्बो अभी भी थाईलैंड में रह रहे हैं, एक सांप पकड़ने वाले के रूप में जीवन यापन कर रहे हैं और नाव की सवारी प्रदान कर रहे हैं। माइकल बर्नेट एक मशीनरी डॉक्टर अपने समूह को सलवीन नदी तक बर्मन तक पहुँचाने के लिए रैम्बो को काम पर रखने का प्रयास करता है। करने लोग के द्वारा बसाए गए एक गांव की चिकित्सक सहायता प्रदान करने के लिए मानवीय मिशन रैम्बो शुरू में मना कर देता है, फिर माइकल की मंगेतर सारा मिलकर द्वारा आश्वासन होने पर सहमत हो जाता है। यात्रा के दौरान समुद्री लुटेरे द्वारा नाव को रोक दिया जाता है जो सारा को पारित होने के बदले में मांगती है, जिससे रैम्बो उन्हें मारने के लिए मजबूर हो जाता है। मिशनरी गांव में पहुंचते हैं लेकिन टिंट की सेना द्वारा हमला किया जाता है। सारा, माइकल और अन्य बचे लोग को बंदी बना लिया जाता है। मिशनरियों के चर्चे पर पादरी थाईलैंड आता है और रैम्बो को बचाओ अभियान पर भाड़े के 500 सैनिक की एक टीम का मार्गदर्शन करने के लिए कहता है। रैम्बो भाड़े को ड्रॉप ऑफ पॉइंट पर ले जाता है और मदद की पेशकश करता है, लेकिन लेविस एक पूर्व एसएसएस सैनिक और टीम के नेता मना कर देते हैं। माइटी एक क्रेन विद्रोही जो इस क्षेत्र से परिचित है भाड़े के सैनिकों को नरसंहार स्थल पर ले जाता है। जैसे ही वे नुकसान का सर्वेक्षण करते हैं टिंट के सैनिकों का एक दल एक ट्रक में कैदियों के एक समूह के साथ आता है जिससे वे पीड़ा देने के लिए आगे बढ़ते हैं। रैम्बो समय पर आता है और बंदूकों को मुक्त करते हुए अपने धनुष और बाण से सैनिकों को मारता है। रैम्बो भाड़े के सैनिक में शामिल हो जाता है और वे रात में टीम के शिविर में अपना रास्ता बनाते हैं जहां वे बचे हुए बंदूकों को छुपके से बचाते हैं। अगली सुबह टिंट और उसके सैनिक उनका पीछा करते हैं। रैम्बो सेना के एक वर्ग को एक निष्क्रिय टॉल बॉय बम की ओर आकर्षित करता है, इसे एक समयबद्ध क्लेमरों के साथ बंद कर देता है। टिन की सेना रैम्बो सारा और स्कूल बॉय भाड़े के स्नाइपर को छोड़कर सभी को पकड़ लेते हैं। इससे पहले कि टिन उन्हें अंजाम दे सके रैम्बो ने जीप पर लगे मशीन गन के साथ आश्चर्यजनक हमला किया और टिन के आदमियों को मारना शुरू कर दिया। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको रैम्बो 4 या क्या जॉन रैम्बो इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये मूवी अमेजॉन प्राइम पर अवेलेबल है। अगर आपके पास अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को देख सकते हैं बिल्कुल फ्री, बट आपके पास अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और आप हमारे वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉन रैम्बो मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, जॉन रैम्बो इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 7/10 रेटिंग दी है और इसे 4.4/5 रेटिंग दिया है वुडू ने और इसे 86% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, जॉन रैम्बो ये 2008 की अमेरिकन एक्शन फिल्म है और फ्रेंड्स, जॉन रैम्बो ये रैम्बो 4 नाम से भी जाना जाता है ये मूवी। तो फ्रेंड्स, रैम्बो 4 क्या कहें, जॉन रैम्बो इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं सिल्वेस्टर स्टॉलन, लिखे हैं आर्ट मॉन्ट्रेस्टाइल, सिल्वेस्टर स्टॉलन, और ये मूवी बेस्ड है जॉन रैम्बो जो कि डेविड मॉरेल की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए एवी लर्नर, केविन किंग टेम्पलेसन, जॉन थॉम्पसन और इस मूवी के स्टारिंग है सिल्वेस्टर स्टॉलन, जूली बेंस, पॉल सुलेज, मैथ्यू मार्सडेन, ग्राहम एमसी ताविश, रे गैलेगस, टिम कैंग, जेक ली बोटेस, मॉन्ग किन, केन हॉवर्ड और इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के ग्लेन मैक पियर्सन और इस मूवी के एडिट किए सियान अल्बर्टसन और इस मूवी में म्यूजिक दिए ब्रेन टेलर और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी से न्यू इमेज, इक्विटी पिक्चर्स, मेड इन फॉन्ट्स, GmbH एंड को KG4 और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए लायंस गेट दी विंस्टेन कंपनी और ये मूवी 25 जनवरी 2008 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 91 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट 47.5 से $50 मिलियन के आसपास रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $113.2 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में सिल्वेस्टर स्टैलन एज जॉन जे रैम्बो के रोल में नजर आए और जूलिया बेंज एंड सारा मिलर के रोल में और पॉल सुलेज एज माइकल बोर्नेट के रोल में और मैथ्यू मार्सडेन एज स्कूल बॉय के रोल में और ग्राहम मैक टाइविस एज लीविज के रोल में और टिम कैंग एज इन जू के रोल में और रे गैलगोस एज डियाज के रोल में और जेक ला बोटेस एज रीज के रोल में, मॉन्ग किन एज मेजर पार्टी टिन के रोल में और किन हॉवर्ड एज फादर आर्थर मैर्स के रोल में और सुपकॉर्न किट्सुओन एज मियन के रोल में और आयुंग आय नोई एज ल्यूटेंट एग ए के रोल में और सोनराम पार्ची मेटेसंकरन कर्न एज था के रोल में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूं, तो चलिए स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, बर्मा में भगवा क्रांति के राजनीति विरोध के बीच निर्दयी SPDC अधिकारी मेजर पार्टी टीटी डर के अभियान में छोटो गांवों को लूटने में बर्मी सेना का नेतृत्व करते हैं। उसके सैनिक बेगुनाहों का वध करते हैं, उसकी सेना में भर्ती होने के लिए किशोर लड़कों का अपहरण करते हैं और यौन दासियों के रूप में बलात्कार के लिए महिलाओं को बंधक बनाते हैं। इस बीच अफगानिस्तान में घटनाओं के 20 साल बाद वियतनाम युद्ध के दिग्गज जॉन रैम्बो अभी भी थाईलैंड में रह रहे हैं, एक सांप पकड़ने वाले के रूप में जीवन यापन कर रहे हैं और नाव की सवारी प्रदान कर रहे हैं। माइकल बर्नेट एक मशीनरी डॉक्टर अपने समूह को सलवीन नदी तक बर्मन तक पहुँचाने के लिए रैम्बो को काम पर रखने का प्रयास करता है। करने लोग के द्वारा बसाए गए एक गांव की चिकित्सक सहायता प्रदान करने के लिए मानवीय मिशन रैम्बो शुरू में मना कर देता है, फिर माइकल की मंगेतर सारा मिलकर द्वारा आश्वासन होने पर सहमत हो जाता है। यात्रा के दौरान समुद्री लुटेरे द्वारा नाव को रोक दिया जाता है जो सारा को पारित होने के बदले में मांगती है, जिससे रैम्बो उन्हें मारने के लिए मजबूर हो जाता है। मिशनरी गांव में पहुंचते हैं लेकिन टिंट की सेना द्वारा हमला किया जाता है। सारा, माइकल और अन्य बचे लोग को बंदी बना लिया जाता है। मिशनरियों के चर्चे पर पादरी थाईलैंड आता है और रैम्बो को बचाओ अभियान पर भाड़े के 500 सैनिक की एक टीम का मार्गदर्शन करने के लिए कहता है। रैम्बो भाड़े को ड्रॉप ऑफ पॉइंट पर ले जाता है और मदद की पेशकश करता है, लेकिन लेविस एक पूरे SS सैनिक और टीम के नेता मना कर देते हैं।
माइटी एक क्रेन विद्रोही जो इस क्षेत्र से परिचित है, भाड़े के सैनिकों को नरसंहार स्थल पर ले जाता है। जैसे ही वे नुकसान का सर्वेक्षण करते हैं, टिंट के सैनिकों का एक दल एक ट्रक में कैदियों के एक समूह के साथ आता है, जिससे वे पीड़ा देने के लिए आगे बढ़ते हैं। रैम्बो समय पर आता है और बंदूकों को मुक्त करते हुए अपने धनुष और बाण से सैनिकों को मारता है। रैम्बो भाड़े के सैनिक में शामिल हो जाता है और वे रात में टिंट के शिविर में अपना रास्ता बनाते हैं, जहां वे बचे हुए बंदूकों को चुपके से बचाते हैं। अगली सुबह टिंट और उसके सैनिक उनका पीछा करते हैं। रैम्बो सेना के एक वर्ग को एक निष्क्रिय टॉल वाय बम की ओर आकर्षित करता है। इसे एक समयबद्ध क्लेमरों के साथ बंद कर देता है। टिंट की सेना रैम्बो, सारा और स्कूल बॉय भाड़े के स्नाइपर को छोड़कर सभी को पकड़ लेते हैं। इससे पहले कि टिंट उन्हें अंजाम दे सके, रैम्बो ने जीप पर लगे मशीन गन के साथ आश्चर्यजनक हमला किया और टिंट के आदमियों को मारना शुरू कर दिया। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको रैम्बो 4 या क्या जॉन रैम्बो इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये मूवी अमेज़ॉन प्राइम पर अवेलेबल है। अगर आपके पास अमेज़ॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को देख सकते हैं बिल्कुल फ्री, बट आपके पास अमेज़ॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और आप हमारे वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉन रैम्बो मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, जॉन रैम्बो इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 7/10 रेटिंग दी है और इसे 4.4/5 रेटिंग दिया है वुडू ने, और इसे 86% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, जॉन रैम्बो ये 2008 की अमेरिकन एक्शन फिल्म है और फ्रेंड्स, जॉन रैम्बो ये रैम्बो 4 नाम से भी जाना जाता है ये मूवी। तो फ्रेंड्स, रैम्बो 4 क्या कहें जॉन रैम्बो, इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं सिल्वेस्टर स्टॉलन, लिखे हैं आर्ट मॉन्ट्रेस्टाइल सिल्वेस्टर स्टॉलन, और ये मूवी बेस्ड है जॉन रैम्बो जो कि डेविड मॉरेल की है, और इस मूवी को प्रोड्यूस किए एवी लर्नर, केविन किंग टेम्पलेसन, जॉन थॉम्पसन, और इस मूवी के स्टारिंग है सिल्वेस्टर स्टॉलन, जूली बेंस, पॉल सुलेज, मैथ्यू मार्सडेन, ग्राहम एमसी ताविश, रे गैलेगस, टिम कैंग, जेक ली बोटेस, मॉन्ग किन, केन हॉवर्ड, और इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के ग्लेन मैक पियर्सन, और इस मूवी के एडिट किए सियान अल्बर्टसन, और इस मूवी में म्यूजिक दिए ब्रेन टेलर, और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी से न्यू इमेज इक्विटी पिक्चर्स, मेड इन फॉन्ट्स GmbH एंड को KG4, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए लायंस गेट दी विंस्टेन कंपनी, और ये मूवी 25 जनवरी 2008 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 91 मिनट्स, और ये यूनाइटेड स्टेट की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट 47.5 से 50 मिलियन डॉलर के आसपास रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $113.2 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में सिल्वेस्टर स्टैलन एज जॉन जे रैम्बो के रोल में नजर आए, और जूलिया बेंज एंड सारा मिलर के रोल में, और पॉल सुलेज एज माइकल बोर्नेट के रोल में, और मैथ्यू मार्सडेन एज स्कूल बॉय के रोल में, और ग्राहम मैक टाइविस एज लीविज के रोल में, और टिम कैंग एज इन जू के रोल में, और रे गैलगोस एज डियाज के रोल में, और जेक ला बोटेस एज रीज के रोल में, मॉन्ग किन एज मेजर पार्टी टिन के रोल में, और किन हॉवर्ड एज फादर आर्थर मैर्स के रोल में, और सुपकॉर्न किट्सुओन एज मियन के रोल में, और आयुंग आय नोई एज ल्यूटेंट एग ए के रोल में, और सोनराम पार्ची मेटेसंकरन एज था के रोल में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूं, तो चलिए स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, बर्मा में भगवा क्रांति के राजनीतिक विरोध के बीच निर्दयी SPDC अधिकारी मेजर पार्टी टीटी डर के अभियान में छोटो गांवों को लूटने में बर्मी सेना की सेना का नेतृत्व करते हैं। उसके सैनिक
बेगुनाहों का वध करते हैं, उसकी सेना में भर्ती होने के लिए किशोर लड़कों का अपहरण करते हैं और यौन दासियों के रूप में बलात्कार के लिए महिलाओं को बंधक बनाते हैं। इस बीच अफगानिस्तान में घटनाओं के 20 साल बाद वियतनाम युद्ध के दिग्गज जॉन रैम्बो अभी भी थाईलैंड में रह रहे हैं, एक सांप पकड़ने वाले के रूप में जीवन यापन कर रहे हैं और नाव की सवारी प्रदान कर रहे हैं। माइकल बर्नेट, एक मशीनरी डॉक्टर, अपने समूह को सलवीन नदी तक बर्मन तक पहुंचाने के लिए रैम्बो को काम पर रखने का प्रयास करता है। करने लोग के द्वारा बसाए गए एक गांव की चिकित्सक सहायता प्रदान करने के लिए मानवीय मिशन रैम्बो शुरू में मना कर देता है, फिर माइकल की मंगेतर सारा मिलकर द्वारा आश्वासन होने पर सहमत हो जाता है। यात्रा के दौरान समुद्री लुटेरे द्वारा नाव को रोक दिया जाता है, जो सारा को पारित होने के बदले में मांगती है, जिससे रैम्बो उन्हें मारने के लिए मजबूर हो जाता है। मिशनरी गांव में पहुंचते हैं, लेकिन टिंट की सेना द्वारा हमला किया जाता है। सारा, माइकल और अन्य बचे लोग को बंदी बना लिया जाता है। मिशनरियों के चर्चे पर पादरी थाईलैंड आता है और रैम्बो को बचाओ अभियान पर भाड़े के 500 सैनिक की एक टीम का मार्गदर्शन करने के लिए कहता है। रैम्बो भाड़े को ड्रॉप ऑफ पॉइंट पर ले जाता है और मदद की पेशकश करता है, लेकिन लेविस, एक पूरे एसएसएस सैनिक और टीम के नेता, मना कर देते हैं। माइटी, एक क्रेन विद्रोही जो इस क्षेत्र से परिचित है, भाड़े के सैनिकों को नरसंहार स्थल पर ले जाता है। जैसे ही वे नुकसान का सर्वेक्षण करते हैं, टिंट के सैनिकों का एक दल एक ट्रक में कैदियों के एक समूह के साथ आता है, जिससे वे पीड़ा देने के लिए आगे बढ़ते हैं। रैम्बो समय पर आता है और बंदूकों को मुक्त करते हुए अपने धनुष और बाण से सैनिकों को मारता है। रैम्बो भाड़े के सैनिक में शामिल हो जाता है और वे रात में टीम के शिविर में अपना रास्ता बनाते हैं, जहां वे बचे हुए बंदूकों को चुपके से बचाते हैं। अगली सुबह टिंट और उसके सैनिक उनका पीछा करते हैं। रैम्बो सेना के एक वर्ग को एक निष्क्रिय टॉल बॉय बम की ओर आकर्षित करता है, इसे एक समयबद्ध क्लेमरों के साथ बंद कर देता है। टिंट की सेना रैम्बो, सारा और स्कूल बॉय भाड़े के स्नाइपर को छोड़कर सभी को पकड़ लेते हैं। इससे पहले कि टिंट उन्हें अंजाम दे सके, रैम्बो ने जीप पर लगे मशीन गन के साथ आश्चर्यजनक हमला किया और टिंट के आदमियों को मारना शुरू कर दिया। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको रैम्बो 4 या क्या जॉन रैम्बो इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये मूवी अमेज़ॉन प्राइम पर अवेलेबल है। अगर आपके पास अमेज़ॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को देख सकते हैं बिल्कुल फ्री, बट आपके पास अमेज़ॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और आप हमारे वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉन रैम्बो मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, जॉन रैम्बो इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 7/10 रेटिंग दी है और इसे 4.4/5 रेटिंग दिया है वुडू ने, और इसे 86% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, जॉन रैम्बो ये 2008 की अमेरिकन एक्शन फिल्म है और फ्रेंड्स, जॉन रैम्बो ये रैम्बो 4 नाम से भी जाना जाता है ये मूवी। तो फ्रेंड्स, रैम्बो 4 क्या कहे जॉन रैम्बो, इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं सिल्वेस्टर स्टॉलन, लिखे हैं आर्ट मॉन्ट्रेस्टाइल सिल्वेस्टर स्टॉलन, और ये मूवी बेस्ड है जॉन रैम्बो जो कि डेविड मॉरेल की है, और इस मूवी को प्रोड्यूस किए एवी लर्नर, केविन किंग टेम्पलेसन, जॉन थॉम्पसन, और इस मूवी के स्टारिंग है सिल्वेस्टर स्टॉलन, जूली बेंस, पॉल सुलेज, मैथ्यू मार्स्टन, ग्राहम एमसी ताविश, रे गैलेगस, टिम कैंग, जेक ली बोटेस, मॉन्ग फिन, केन हॉवर्ड, और इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के ग्लेन मैक पियर्सन, और इस मूवी के एडिट किए सियान अल्बर्टसन, और इस मूवी में म्यूजिक दिए ब्रेन टेलर, और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी से न्यू इमेज, इक्विटी पिक्चर्स, मेड इन फॉन्ट्स, GmbH एंड को, KG
4 और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए लायंस गेट दी विंस्टेन कंपनी। और ये मूवी 25 जनवरी 2008 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 91 मिनट्स। और ये यूनाइटेड स्टेट की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट 47.5 से $50 मिलियन के आसपास रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $113.2 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हमें इस मूवी में सिल्वेस्टर स्टैलन एज जॉन जे रैम्बो के रोल में नजर आए और जूलिया बेंजन सारा मिलर के रोल में और पॉल सुलेज एज माइकल बोर्नेट के रोल में और मैथ्यू मार्सडेन एज ए स्कूल बॉय के रोल में और ग्राहम मैक टाइविस एज लीवीज के रोल में और टिम कैंग एज इन जू के रोल में और रे गैलगोस एज डियाज के रोल में और जेक ला बोटेज एज रीज के रोल में मॉन्ग मॉन्ग खिन एज मेजर पार्टी टिन के रोल में और किन हॉवर्ड एज फादर आर्थर मैर्स के रोल में और सुपकॉर्न किट्सुओन एज मियन के रोल में और आयुंग आय नोई एज ल्यूटेंट आय ए के रोल में और सोनराम पार्ची मेटे सेंकरन कर्न एज था के रोल में। तो फ्रेंड्स इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूं, तो चलिए स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स बर्मा में भगवा क्रांति के राजनीति विरोध के बीच निर्दयी SPDC अधिकारी मेजर पार्टी टीटी डर के अभियान में छोटो गांवों को लूटने में बर्मी सेना की सेना का नेतृत्व करते हैं। उसके सैनिक बेगुनाहों का वध करते हैं, उसकी सेना में भर्ती होने के लिए किशोर लड़कों का अपहरण करते हैं और यौन दासियों के रूप में बलात्कार के लिए महिलाओं को बंधक बनाते हैं। इस बीच अफगानिस्तान में घटनाओं के 20 साल बाद वियतनाम युद्ध के दिग्गज जॉन रैम्बो अभी भी थाईलैंड में रह रहे हैं, एक सांप पकड़ने वाले के रूप में जीवन यापन कर रहे हैं और नाव की सवारी प्रदान कर रहे हैं। माइकल बर्नेट एक मशीनरी डॉक्टर अपने समूह को सलवीन नदी तक बर्मन तक पहुँचाने के लिए रैम्बो को काम पर रखने का प्रयास करता है। करने लोग के द्वारा बसाए गए एक गांव की चिकित्सक सहायता प्रदान करने के लिए मानवीय मिशन रैम्बो शुरू में मना कर देता है, फिर माइकल की मंगेतर सारा मिलकर द्वारा आश्वासन होने पर सहमत हो जाता है। यात्रा के दौरान समुद्री लुटेरे द्वारा नाव को रोक दिया जाता है जो सारा को पारित होने के बदले में मांगती है, जिससे रैम्बो उन्हें मारने के लिए मजबूर हो जाता है। मिशनरी गांव में पहुंचते हैं लेकिन टिंट की सेना द्वारा हमला किया जाता है। सारा माइकल और अन्य बचे लोग को बंदी बना लिया जाता है। मिशनरियों के चर्चे पर पादरी थाईलैंड आता है और रैम्बो को बचाओ अभियान पर भाड़े के 500 सैनिक की एक टीम का मार्गदर्शन करने के लिए कहता है। रैम्बो भाड़े को ड्रॉप ऑफ पॉइंट पर ले जाता है और मदद की पेशकश करता है, लेकिन लेविस एक पूर्व SS सैनिक और टीम के नेता मना कर देते हैं। माइटी एक क्रेन विद्रोही जो इस क्षेत्र से परिचित है भाड़े के सैनिकों को नरसंहार स्थल पर ले जाता है। जैसे ही वे नुकसान का सर्वेक्षण करते हैं टिंट के सैनिकों का एक दल एक ट्रक में कैदियों के एक समूह के साथ आता है जिससे वे पीड़ा देने के लिए आगे बढ़ते हैं। रैम्बो समय पर आता है और बंदूकों को मुक्त करते हुए अपने धनुष और बाण से सैनिकों को मारता है। रैम्बो भाड़े के सैनिक में शामिल हो जाता है और वे रात में टीम के शिविर में अपना रास्ता बनाते हैं जहां वे बचे हुए बंदूकों को चुपके से बचाते हैं। अगली सुबह टिंट और उसके सैनिक उनका पीछा करते हैं। रैम्बो सेना के एक वर्ग को एक निष्क्रिय टॉल बॉय बम की ओर आकर्षित करता है, इसे एक समयबद्ध क्लेमरों के साथ बंद कर देता है। टिन की सेना रैम्बो सारा और स्कूल बॉय भाड़े के स्नाइपर को छोड़कर सभी को पकड़ लेते हैं। इससे पहले कि टिन उन्हें अंजाम दे सके रैम्बो ने जीप पर लगे मशीन गन के साथ आश्चर्यजनक हमला किया और टिन के आदमियों को मारना शुरू कर दिया। तो फ्रेंड्स आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको रैम्बो 4 या क्या जॉन रैम्बो इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये मूवी अमेजॉन प्राइम पर अवेलेबल है। अगर आपके पास अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को देख सकते हैं बिल्कुल फ्री, बट आपके पास अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और आप हमारे वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉन रैम्बो मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, जॉन रैम्बो इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 7/10 रेटिंग दी है और इसे 4.4/5 रेटिंग दिया है वुडू ने और इसे 86% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, जॉन रैम्बो ये 2008 की अमेरिकन एक्शन फिल्म है और फ्रेंड्स जॉन रैम्बो ये रैम्बो 4 नाम से भी जाना जाता है ये मूवी। तो फ्रेंड्स, रैम्बो 4 क्या कह रहे जॉन रैम्बो, इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं सिल्वेस्टर स्टॉलन, लिखे हैं आर्ट मॉन्ट्रेस्टाइल सिल्वेस्टर स्टॉलन और ये मूवी बेस्ड है जॉन रैम्बो जो कि डेविड मॉरेल की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए एवी लर्नर, केविन किंग टेम्पलेसन, जॉन थॉम्पसन और इस मूवी के स्टारिंग है सिल्वेस्टर स्टॉलन, जूली बेंस, पॉल सुलेज, मैथ्यू मार्सडेन, ग्राहम एमसी ताविश, रे गैलेगस, टिम कैंग, जेक ली बोटेस, मॉन्ग किन, केन हॉवर्ड और इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के ग्लेन मैक पियर्सन और इस मूवी के एडिट किए सियान अल्बर्टसन और इस मूवी में म्यूजिक दिए ब्रेन टेलर और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी से न्यू इमेज, इक्विटी पिक्चर्स, मेड इन फॉन्ट्स, GmbH एंड को KG4 और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए लायंस गेट दी विंस्टेन कंपनी और ये मूवी 25 जनवरी 2008 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 91 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट 47.5 से $50 मिलियन के आसपास रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $113.2 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में सिल्वेस्टर स्टैलन एज जॉन जे रैम्बो के रोल में नजर आए और जूलिया बेंस एंड सारा मिलर के रोल में और पॉल सुलेज एज माइकल बोर्नेट के रोल में और मैथ्यू मार्सडेन एज ए स्कूल बॉय के रोल में और ग्राहम मैक टाइविस एज लीविज के रोल में और टिम कैंग एज इन जू के रोल में और रे गैलगोस एज डियाज के रोल में और जेक ला बोटेस एज रीज के रोल में, मॉन्ग किन एज मेजर पार्टी टीम के रोल में और किन हॉवर्ड एज फादर आर्थर मैर्स के रोल में और सुपकॉर्न किट्सुओन एज मियन के रोल में और आयुंग आय नोई एज ल्यूटेंट एग ए के रोल में और सोनराम पार्ची मेटे सेंकरन कर्न एज था के रोल में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूं, तो चलिए स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, बर्मा में भगवा क्रांति के राजनीति विरोध के बीच निर्दयी SPDC अधिकारी मेजर पार्टी टीटी डर के अभियान में छोटो गांवों को लूटने में बर्मी सेना की सेना का नेतृत्व करते हैं। उसके सैनिक बेगुनाहों का वध करते हैं, उसकी सेना में भर्ती होने के लिए किशोर लड़कों का अपहरण करते हैं और यौन दासियों के रूप में बलात्कार के लिए महिलाओं को बंधक बनाते हैं। इस बीच अफगानिस्तान में घटनाओं के 20 साल बाद वियतनाम युद्ध के दिग्गज जॉन रैम्बो अभी भी थाईलैंड में रह रहे हैं, एक सांप पकड़ने वाले के रूप में जीवन यापन कर रहे हैं और नाव की सवारी प्रदान कर रहे हैं। माइकल बर्नेट एक मशीनरी डॉक्टर अपने समूह को सलवीन नदी तक बर्मन तक पहुँचाने के लिए रैम्बो को काम पर रखने का प्रयास करता है। करने लोग के द्वारा बसाए गए एक गांव की चिकित्सक सहायता प्रदान करने के लिए मानवीय मिशन रैम्बो शुरू में मना कर देता है, फिर माइकल की मंगेतर सारा मिलकर द्वारा आश्वासन होने पर सहमत हो जाता है। यात्रा के दौरान समुद्री लुटेरे द्वारा नाव को रोक दिया जाता है जो सारा को पारित होने के बदले में मांगती है, जिससे रैम्बो उन्हें मारने के लिए मजबूर हो जाता है। मिशनरी गांव में पहुंचते हैं लेकिन टिंट की सेना द्वारा हमला किया जाता है। सारा, माइकल और अन्य बचे लोग को बंदी बना लिया जाता है। मिशनरियों के चर्चे पर पादरी थाईलैंड आता है और रैम्बो को बचाओ अभियान पर भाड़े के 500 सैनिक की एक टीम का मार्गदर्शन करने के लिए कहता है। रैम्बो भाड़े को ड्रॉप ऑफ पॉइंट पर ले जाता है और मदद की पेशकश करता है, लेकिन लेविस एक पूर्व SS सैनिक और टीम के नेता मना कर देते हैं।
माइटी एक क्रेन विद्रोही जो इस क्षेत्र से परिचित है, भाड़े के सैनिकों को नरसंहार स्थल पर ले जाता है। जैसे ही वे नुकसान का सर्वेक्षण करते हैं, टिंट के सैनिकों का एक दल एक ट्रक में कैदियों के एक समूह के साथ आता है, जिससे वे पीड़ा देने के लिए आगे बढ़ते हैं। रैम्बो समय पर आता है और बंदूकों को मुक्त करते हुए अपने धनुष और बाण से सैनिकों को मारता है। रैम्बो भाड़े के सैनिक में शामिल हो जाता है और वे रात में टीम के शिविर में अपना रास्ता बनाते हैं, जहां वे बचे हुए बंदूकों को चुपके से बचाते हैं। अगली सुबह टिंट और उसके सैनिक उनका पीछा करते हैं। रैम्बो सेना के एक वर्ग को एक निष्क्रिय टॉल बॉय बम की ओर आकर्षित करता है। इसे एक समयबद्ध क्लेमरों के साथ बंद कर देता है। टिंट की सेना रैम्बो, सारा और स्कूल बॉय भाड़े के स्नाइपर को छोड़कर सभी को पकड़ लेते हैं। इससे पहले कि टिंट उन्हें अंजाम दे सके, रैम्बो ने जीप पर लगे मशीन गन के साथ आश्चर्यजनक हमला किया और टिंट के आदमियों को मारना शुरू कर दिया। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको रैम्बो 4 या क्या जॉन रैम्बो इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये मूवी अमेज़ॉन प्राइम पर अवेलेबल है। अगर आपके पास अमेज़ॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को देख सकते हैं बिल्कुल फ्री, बट आपके पास अमेज़ॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन होगा तो। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और आप हमारे वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉन रैम्बो मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, जॉन रैम्बो इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 7/10 रेटिंग दी है और इसे 4.4/5 रेटिंग दिया है वुडू ने, और इसे 86% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, जॉन रैम्बो ये 2008 की अमेरिकन एक्शन फिल्म है और फ्रेंड्स, जॉन रैम्बो ये रैम्बो 4 नाम से भी जाना जाता है ये मूवी। तो फ्रेंड्स, रैम्बो 4 क्या कहें जॉन रैम्बो, इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं सिल्वेस्टर स्टॉलन, लिखे हैं आर्ट मॉन्ट्रेस्टाइल सिल्वेस्टर स्टॉलन, और ये मूवी बेस्ड है जॉन रैम्बो जो कि डेविड मॉरेल की है, और इस मूवी को प्रोड्यूस किए एवी लर्नर, केविन किंग टेम्पलेसन, जॉन थॉम्पसन, और इस मूवी के स्टारिंग है सिल्वेस्टर स्टॉलन, जूली बेंस, पॉल सुलेज, मैथ्यू मार्सडेन, ग्राहम एमसी ताविश, रे गैलेगस, टिम कैंग, जेक ली बोटेस, मॉन्ग किन, केन हॉवर्ड, और इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के ग्लेन मैक पियर्सन, और इस मूवी के एडिट किए सियान अल्बर्टसन, और इस मूवी में म्यूजिक दिए ब्रेन टेलर, और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी से न्यू इमेज, इक्विटी पिक्चर्स, मेड इन फॉन्ट्स, GmbH एंड को KG4, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए लायंस गेट दी विंस्टेन कंपनी, और ये मूवी 25 जनवरी 2008 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 91 मिनट्स, और ये यूनाइटेड स्टेट की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट 47.5 से 50 मिलियन डॉलर के आसपास रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $113.2 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में सिल्वेस्टर स्टैलन एज जॉन जे रैम्बो के रोल में नजर आए और जूलिया बेंस एंड सारा मिलर के रोल में और पॉल सुलेज एज माइकल बोर्नेट के रोल में और मैथ्यू मार्सडेन एज स्कूल बॉय के रोल में और ग्राहम मैक टाइविस एज लीविज के रोल में और टिम कैंग एज इन जू के रोल में और रे गैलगोस एज डियाज के रोल में और जेक ला बोटेस एज रीज के रोल में और मॉन्ग किन एज मेजर पार्टी टिन के रोल में और किन हॉवर्ड एज फादर आर्थर मैर्स के रोल में और सुपकॉर्न किट्सुओन एज मियन के रोल में और आयुंग आय नोई एज ल्यूटेंट एग ए के रोल में और सोनराम पार्ची मेटे संकरण एज था के रोल में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूं, तो चलिए स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, बर्मा में भगवा क्रांति के राजनीतिक विरोध के बीच निर्दयी SPDC अधिकारी मेजर पार्टी टी डर के अभियान में छोटो गाँव को लूटने में बर्मी सेना की
बर्मी सेना का नेतृत्व करते हैं, उसके सैनिक बेगुनाहों का वध करते हैं, उसकी सेना में भर्ती होने के लिए किशोर लड़कों का अपहरण करते हैं और यौन दासियों के रूप में बलात्कार के लिए महिलाओं को बंधक बनाते हैं। इस बीच अफगानिस्तान में घटनाओं के 20 साल बाद वियतनाम युद्ध के दिग्गज जॉन रैम्बो अभी भी थाईलैंड में रह रहे हैं, एक सांप पकड़ने वाले के रूप में जीवन यापन कर रहे हैं और नाव की सवारी प्रदान कर रहे हैं। माइकल बर्नेट, एक मशीनरी डॉक्टर, अपने समूह को सालिविन नदी तक बर्मन तक पहुंचाने के लिए रैम्बो को काम पर रखने का प्रयास करता है। करने लोग के द्वारा बसाए गए एक गांव की चिकित्सक सहायता प्रदान करने के लिए मानवीय मिशन रैम्बो शुरू में मना कर देता है, फिर माइकल की मंगेतर सारा मिलकर द्वारा आश्वासन होने पर सहमत हो जाता है। यात्रा के दौरान समुद्री लुटेरे द्वारा नाव को रोक दिया जाता है, जो सारा को पारित होने के बदले में मांगती है, जिससे रैम्बो उन्हें मारने के लिए मजबूर हो जाता है। मिशनरी गांव में पहुंचते हैं, लेकिन टिंट की सेना द्वारा हमला किया जाता है। सारा, माइकल और अन्य बचे लोग को बंदी बना लिया जाता है। मिशनरियों के चर्चे पर पादरी थाईलैंड आता है और रैम्बो को बचाओ अभियान पर भाड़े के 500 सैनिक की एक टीम का मार्गदर्शन करने के लिए कहता है। रैम्बो भाड़े को ड्रॉप ऑफ पॉइंट पर ले जाता है और मदद की पेशकश करता है, लेकिन लेविस, एक पूर्व एसएसएस सैनिक और टीम के नेता, मना कर देते हैं। माइटी, एक क्रेन विद्रोही जो इस क्षेत्र से परिचित है, भाड़े के सैनिकों को नरसंहार स्थल पर ले जाता है। जैसे ही वे नुकसान का सर्वेक्षण करते हैं, टिंट के सैनिकों का एक दल एक ट्रक में कैदियों के एक समूह के साथ आता है, जिससे वे पीड़ा देने के लिए आगे बढ़ते हैं। रैम्बो समय पर आता है और बंदूकों को मुक्त करते हुए अपने धनुष और बाण से सैनिकों को मारता है। रैम्बो भाड़े के सैनिक में शामिल हो जाता है और वे रात में टीम के शिविर में अपना रास्ता बनाते हैं, जहां वे बचे हुए बंदूकों को चुपके से बचाते हैं। अगली सुबह टिंट और उसके सैनिक उनका पीछा करते हैं। रैम्बो सेना के एक वर्ग को एक निष्क्रिय टॉल वाय बम की ओर आकर्षित करता है, इसे एक समयबद्ध क्लेमरों के साथ बंद कर देता है। टिंट की सेना रैम्बो, सारा और स्कूल बॉय भाड़े के स्नाइपर को छोड़कर सभी को पकड़ लेते हैं। इससे पहले कि टिंट उन्हें अंजाम दे सके, रैम्बो ने जीप पर लगे मशीन गन के साथ आश्चर्यजनक हमला किया और टिंट के आदमियों को मारना शुरू कर दिया। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको रैम्बो 4 या क्या जॉन रैम्बो इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये मूवी अमेजॉन प्राइम पर अवेलेबल है। अगर आपके पास अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को देख सकते हैं बिल्कुल फ्री, बट आपके पास अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और आप हमारे वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉन रैम्बो मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, जॉन रैम्बो इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 7/10 रेटिंग दी है और इसे 4.4/5 रेटिंग दिया है उडू ने और इसे 86% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, जॉन रैम्बो ये 2008 की अमेरिकन एक्शन फिल्म है और फ्रेंड्स, जॉन रैम्बो ये रैम्बो 4 नाम से भी जाना जाता है ये मूवी। तो फ्रेंड्स, रैम्बो 4 क्या कहें जॉन रैम्बो, इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं सिल्वेस्टर स्टॉलन, लिखे हैं आर्ट मॉन्ट्रेस्टाइल सिल्वेस्टर स्टॉलन और ये मूवी बेस्ड है जॉन रैम्बो जो कि डेविड मॉरेल की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए एवी लर्नर, केविन किंग टेम्पलेसन, जॉन थॉम्पसन और इस मूवी के स्टारिंग है सिल्वेस्टर स्टॉलन, जूली बेंस, पॉल सुलेज, मैथ्यू मार्सडेन, ग्राहम एमसी ताविश, रे गैलेगस, टिम कैंग, जेक ली बोटेस, मॉन्ग किन, केन हॉवर्ड और इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के ग्लेन मैक पियर्सन और इस मूवी के एडिट किए सियान अल्बर्टसन और इस मूवी में म्यूजिक दिए ब्रेन टेलर और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी से न्यू इमेज, इक्विटी पिक्चर्स, मेड इन फॉन्ट्स,
GmbH एंड को KG4 और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए लायंस गेट दी विंस्टेन कंपनी। और ये मूवी 25 जनवरी 2008 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 91 मिनट्स। और ये यूनाइटेड स्टेट की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट 47.5 से $50 मिलियन के आसपास रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $113.2 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हमें इस मूवी में सिल्वेस्टर स्टैलोन एज जॉन जे रैम्बो के रोल में नजर आए और जूलिया बेंजन सारा मिलर के रोल में और पॉल सुलेज एज माइकल बोर्नेट के रोल में और मैथ्यू मार्सडन एज स्कूल बॉय के रोल में और ग्राहम मैक टाइविस एज लीविज के रोल में और टिम कैंग एज इन जू के रोल में और रे गैलगोस एज डियाज के रोल में और जेक ला बोटेज एज रीज के रोल में मॉन्ग मॉन्ग खिन किन एज मेजर पार्टी टीम के रोल में और किन हॉवर्ड एज फादर आर्थर मैर्स के रोल में और सुपकॉर्न किट्सुओन एज मियन के रोल में और आयुंग आय नोई एज ल्यूटेंट ए के रोल में और सोनराम पार्ची मैटेसंकरन कर्न एज था के रोल में। तो फ्रेंड्स इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूं, तो चलिए स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स बर्मा में भगवा क्रांति के राजनीतिक विरोध के बीच निर्दयी SPDC अधिकारी मेजर पार्टी टीटी डर के अभियान में छोटों गांवों को लूटने में बर्मी सेना का नेतृत्व करते हैं। उसके सैनिक बेगुनाहों का वध करते हैं, उसकी सेना में भर्ती होने के लिए किशोर लड़कों का अपहरण करते हैं और यौन दासियों के रूप में बलात्कार के लिए महिलाओं को बंधक बनाते हैं। इस बीच अफगानिस्तान में घटनाओं के 20 साल बाद वियतनाम युद्ध के दिग्गज जॉन रैम्बो अभी भी थाईलैंड में रह रहे हैं, एक सांप पकड़ने वाले के रूप में जीवन यापन कर रहे हैं और नाव की सवारी प्रदान कर रहे हैं। माइकल बर्नेट एक मशीनरी डॉक्टर अपने समूह को सलवीन नदी तक बर्मन तक पहुँचाने के लिए रैम्बो को काम पर रखने का प्रयास करता है। करने लोग के द्वारा बसाए गए एक गांव की चिकित्सक सहायता प्रदान करने के लिए मानवीय मिशन रैम्बो शुरू में मना कर देता है, फिर माइकल की मंगेतर सारा मिलकर द्वारा आश्वासन होने पर सहमत हो जाता है। यात्रा के दौरान समुद्री लुटेरे द्वारा नाव को रोक दिया जाता है जो सारा को पारित होने के बदले में मांगती है, जिससे रैम्बो उन्हें मारने के लिए मजबूर हो जाता है। मिशनरी गांव में पहुंचते हैं लेकिन टिंट की सेना द्वारा हमला किया जाता है। सारा माइकल और अन्य बचे लोग को बंदी बना लिया जाता है। मिशनरियों के चर्चे पर पादरी थाईलैंड आता है और रैम्बो को बचाओ अभियान पर भाड़े के 500 सैनिक की एक टीम का मार्गदर्शन करने के लिए कहता है। रैम्बो भाड़े को ड्रॉप ऑफ पॉइंट पर ले जाता है और मदद की पेशकश करता है, लेकिन लेविस एक पूरे SS सैनिक और टीम के नेता मना कर देते हैं। माइटी एक क्रेन विद्रोही जो इस क्षेत्र से परिचित है भाड़े के सैनिकों को नरसंहार स्थल पर ले जाता है। जैसे ही वे नुकसान का सर्वेक्षण करते हैं टिंट के सैनिकों का एक दल एक ट्रक में कैदियों के एक समूह के साथ आता है जिससे वे पीड़ा देने के लिए आगे बढ़ते हैं। रैम्बो समय पर आता है और बंदूकों को मुक्त करते हुए अपने धनुष और बाण से सैनिकों को मारता है। रैम्बो भाड़े के सैनिक में शामिल हो जाता है और वे रात में टीम के शिविर में अपना रास्ता बनाते हैं जहां वे बचे हुए बंदूकों को चुपके से बचाते हैं। अगली सुबह टिंट और उसके सैनिक उनका पीछा करते हैं। रैम्बो सेना के एक वर्ग को एक निष्क्रिय टॉल वाय बम की और आकर्षित करता है, इसे एक समयबद्ध क्लेमरों के साथ बंद कर देता है। टिंट की सेना रैम्बो सारा और स्कूल बॉय भाड़े के स्नाइपर को छोड़कर सभी को पकड़ लेते हैं। इससे पहले कि टिंट उन्हें अंजाम दे सके रैम्बो ने जीप पर लगे मशीन गन के साथ आश्चर्यजनक हमला किया और टिंट के आदमियों को मारना शुरू कर दिया। तो फ्रेंड्स आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको रैम्बो 4 या क्या जॉन रैम्बो इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये मूवी अमेजॉन प्राइम पर अवेलेबल है। अगर आपके पास अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को देख सकते हैं बिल्कुल फ्री, बट आपके पास अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन होगा तो
फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और आप हमारे वीडियो को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉन रैम्बो मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, जॉन रैम्बो इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 7/10 रेटिंग दी है और इसे 4.4/5 रेटिंग दिया है वूडू ने, और इसे 86% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, जॉन रैम्बो ये 2008 की अमेरिकन एक्शन फिल्म है, और फ्रेंड्स रैम्बो 4 नाम से भी जाना जाता है ये मूवी। तो फ्रेंड्स, रैम्बो 4 क्या कहें, जॉन रैम्बो इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं सिल्वेस्टर स्टॉलन, लिखे हैं आर्ट मॉन्ट्रेस्टाइल सिल्वेस्टर स्टॉलन, और ये मूवी बेस्ड है जॉन रैम्बो जो कि डेविड मॉरेल की है, और इस मूवी को प्रोड्यूस किए एवी लर्नर, केविन किंग टेम्पलेसन, जॉन थॉम्पसन, और इस मूवी के स्टारिंग है सिल्वेस्टर स्टॉलन, जूली बेंस, पॉल सुलेज, मैथ्यू मार्सडेन, ग्राहम एमसी ताविश, रे गैलेगस, टिम कैंग, जेक ली बोटेस, मॉन्ग किन, केन हॉवर्ड, और इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के ग्लेन मैक पियर्सन, और इस मूवी के एडिट किए सियान अल्बर्टसन, और इस मूवी में म्यूजिक दिए ब्रेन टेलर, और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी से न्यू इमेज, इक्विटी पिक्चर्स, मेड इन फॉन्ट्स, GmbH एंड को KG4, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए लायंस गेट दी विंस्टेन कंपनी, और ये मूवी 25 जनवरी 2008 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई, और इसका रनिंग टाइम रहा 91 मिनट्स, और ये यूनाइटेड स्टेट की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट 47.5 से 50 मिलियन डॉलर के आसपास रहा, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $113.2 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में सिल्वेस्टर स्टैलन एज जॉन जे रैम्बो के रोल में नजर आए, और जूलिया बेंस एंड सारा मिलर के रोल में, और पॉल सुलेज एज माइकल बोर्नेट के रोल में, और मैथ्यू मार्सडेन एज स्कूल बॉय के रोल में, और ग्राहम मैक टाइविस एज लीविज के रोल में, और टिम कैंग एज इन जू के रोल में, और रे गैलगोस एज डियाज के रोल में, और जेक ला बोटेस एज रीज के रोल में, मॉन्ग किन एज मेजर पार्टी टिन के रोल में, और किन हॉवर्ड एज फादर आर्थर मैर्स के रोल में, और सुपकॉर्न किट्सुओन एज मियन के रोल में, और आयुंग आय नोई एज ल्यूटेंट ए के रोल में, और सोनराम पार्ची मैटेसंकरन एज था के रोल में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूं, तो चलिए स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, बर्मा में भगवा क्रांति के राजनीतिक विरोध के बीच निर्दयी SPDC अधिकारी मेजर पार्टी टीटी डर के अभियान में छोटो गांवों को लूटने में बर्मी सेना की सेना का नेतृत्व करते हैं। उसके सैनिक बेगुनाहों का वध करते हैं, उसकी सेना में भर्ती होने के लिए किशोर लड़कों का अपहरण करते हैं, और यौन दासियों के रूप में बलात्कार के लिए महिलाओं को बंधक बनाते हैं। इस बीच अफगानिस्तान में घटनाओं के 20 साल बाद वियतनाम युद्ध के दिग्गज जॉन रैम्बो अभी भी थाईलैंड में रह रहे हैं, एक सांप पकड़ने वाले के रूप में जीवन यापन कर रहे हैं, और नाव की सवारी प्रदान कर रहे हैं। माइकल बर्नेट एक मशीनरी डॉक्टर अपने समूह को सलवीन नदी तक बर्मन तक पहुँचाने के लिए रैम्बो को काम पर रखने का प्रयास करता है। करने लोग के द्वारा बसाए गए एक गांव की चिकित्सक सहायता प्रदान करने के लिए मानवीय मिशन रैम्बो शुरू में मना कर देता है, फिर माइकल की मंगेतर सारा मिलकर द्वारा आश्वासन होने पर सहमत हो जाता है। यात्रा के दौरान समुद्री लुटेरे द्वारा नाव को रोक दिया जाता है, जो सारा को पारित होने के बदले में मांगती है, जिससे रैम्बो उन्हें मारने के लिए मजबूर हो जाता है। मिशनरी गांव में पहुंचते हैं, लेकिन टिंट की सेना द्वारा हमला किया जाता है। सारा, माइकल और अन्य बचे लोग को बंदी बना लिया जाता है। मिशनरियों के चर्चे पर पादरी थाईलैंड आता है, और रैम्बो को बचाओ अभियान पर भाड़े के 500 सैनिक की एक टीम का मार्गदर्शन करने के लिए कहता है। रैम्बो भाड़े को ड्रॉप ऑफ पॉइंट पर ले जाता है और मदद की पेशकश करता है, लेकिन लेविस
एक पूरे एसएसएस सैनिक और टीम के नेता मना कर देते हैं। माइटी एक क्रेन विद्रोही जो इस क्षेत्र से परिचित है, भाड़े के सैनिकों को नरसंहार स्थल पर ले जाता है। जैसे ही वे नुकसान का सर्वेक्षण करते हैं, टिंट के सैनिकों का एक दल एक ट्रक में कैदियों के एक समूह के साथ आता है, जिससे वे पीड़ा देने के लिए आगे बढ़ते हैं। रैम्बो समय पर आता है और बंदूकों को मुक्त करते हुए अपने धनुष और बाण से सैनिकों को मारता है। रैम्बो भाड़े के सैनिक में शामिल हो जाता है और वे रात में टीम के शिविर में अपना रास्ता बनाते हैं, जहां वे बचे हुए बंदूकों को चुपके से बचाते हैं। अगली सुबह टिंट और उसके सैनिक उनका पीछा करते हैं। रैम्बो सेना के एक वर्ग को एक निष्क्रिय टॉल बॉय बम की ओर आकर्षित करता है। इसे एक समयबद्ध क्लेमरों के साथ बंद कर देता है। टिंट की सेना रैम्बो, सारा और स्कूल बॉय भाड़े के स्नाइपर को छोड़कर सभी को पकड़ लेते हैं। इससे पहले कि टिंट उन्हें अंजाम दे सके, रैम्बो ने जीप पर लगे मशीन गन के साथ आश्चर्यजनक हमला किया और टिंट के आदमियों को मारना शुरू कर दिया। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको रैम्बो 4 या क्या जॉन रैम्बो इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये मूवी अमेज़ॉन प्राइम पर अवेलेबल है। अगर आपके पास अमेज़ॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को देख सकते हैं बिल्कुल फ्री, बट आपके पास अमेज़ॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन होगा तो। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और आप हमारे वीडियो को देखते रहें।